तो जनाब पहले स्टेप में हमने प्लान स्कोप मैनेजमेंट में दो मैनेजमेंट प्लान बना लिए, एक स्कोप मैनेजमेंट प्लान और एक रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। अब हम आगे देखते हैं कि जब हम आगे चले कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स करने के लिए, नेक्स्ट स्टेप हमारा प्लानिंग के अंदर दूसरा स्टेप जो है वो कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स है। और कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स में मुझे दोनों ही मैनेजमेंट प्लान चाहिए, क्योंकि स्कोप मैनेजमेंट प्लान भी बता रहा है कि ओवरऑल कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स में क्या ख्याल रखना है, और कलेक्ट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली अबाउट द रिक्वायरमेंट्स बता रही है, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान स्पेसिफिकली अबाउट रिक्वायरमेंट बता रही है कि रिक्वायरमेंट में एग्जैक्टली आपने क्या कैसे मैनेज करना है रिक्वायरमेंट को। तो आई विल नीड बोथ ऑफ दीज मैनेजमेंट प्लान हियर, एंड आगे आप देखेंगे कि इसके अलावा मुझे स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान भी चाहिए होगा, और भी चीजें चाहिए होंगी, और यहां से मैं रिक्वायरमेंट्स जो जो मेरी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स होंगी वो इससे आउट होंगी, आउटपुट के तौर पर रिक्वायरमेंट निकल आएंगी। ना सिर्फ रिक्वायरमेंट बल्कि एक और भी बड़ी मेजर चीज यहां से निकलेगी और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज अ रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, सिर्फ मैं लेमन लैंग्वेज में आपसे बात करूंगा कि जनाब आपने एक रिक्वायरमेंट दी, फर्ज कर लेते हैं अभी तो रिक्वायरमेंट दी है ना, अभी तो हम देखते हैं कि ये इसको क्या करना है, लेकिन अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ गई तो लाजमी बात है कि मुझे इसमें कुछ इकदाम करने पड़ेंगे, मुझे प्लान का हिस्सा बनाना पड़ेगा, और मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि आया कि ये रिक्वायरमेंट आपकी जो है ऑब्जेक्टिव्स की अलाइनमेंट में है या नहीं है, अगर है तो कौन से वाले ऑब्जेक्टिव की अलाइनमेंट में है, क्यों हम कर रहे हैं, कौन सा वाला स्टेक होल्डर है जो इसे सेटिस्फाई होने वाला है, और किस किस को फायदा होगा, और अल्टीमेटली इस रिक्वायरमेंट की वजह से जो प्रोडक्ट में कौन सा फीचर ऐड हो रहा है। तो शुरू से लेके जहां से ये रिक्वायरमेंट ओरिजिनेट हुई थी आखिर तक सारा धागा परोया जाएगा, सारे मोती उसमें परोए जाएंगे, एंड दिस विल बी माय ट्रेस। अब अगर खुदा ना खास्ता किसी स्टेज के ऊपर कोई तब्दीली वाकया हो जाती है इस पूरे थ्रेड में से कहीं पर भी, शुरू करें आप स्टेक होल्डर, जिस स्टेक होल्डर ने रिक्वायरमेंट दी थी वो फौत हो गया, अब वो स्टेक होल्डर नहीं रहा तो उसकी नीड भी नहीं रही, रिक्वायरमेंट भी नहीं रही, अगर रिक्वायरमेंट नहीं रही तो ये डिलीवरेबल मैं क्यों बना रहा हूँ, ये कौन सा ऑब्जेक्टिव मेरा कर रहा है, अगर ऑब्जेक्टिव अभी भी पूरा कर रहा है कोई तब तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा, अगर इसकी जरूरत नहीं रही तो खत्म करो इसे, व्हाई आर वी डूइंग अननेसेसरी एक्टिविटीज। और दूसरी बात है कि अगर मैं सिर्फ स्टेक होल्डर गायब कर दूं और रिक्वायरमेंट रहने दूं, या रिक्वायरमेंट गायब कर दूं आगे वाली चीजें रहने दूं, तो वो रिडंडेंट हो जाएंगी सारी एक्टिविटीज, और वो हम अगर कर भी रहे होंगे तो बिला वजह कर रहे होंगे, रिसोर्सेज जाए, तो हम नहीं करना चाहते। तो कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स में हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका ट्रेस कहां से मिलता है, और अल्टीमेटली ये रिक्वायरमेंट्स हमारे सामने आ जाती हैं। अगली चीज ये है कि ये जितने भी रिक्वायरमेंट्स में जो स्टेक होल्डर्स नहीं है, ये स्टेक होल्डर सिर्फ कस्टमर नहीं है, इसमें तमाम स्टेक होल्डर है, और अगर मैं कहता हूँ जी भाई आपकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो वो तो यानी कि स्काई इज द लिमिट, मतलब उसमें तो कोई हद नहीं है, कोई कुछ भी मांग सकता है, तो और एक तो बात ही कोई कुछ भी मांग सकता है तो उसका तो प्रोजेक्ट के स्कोप से बाहर भी जा सकता है, और ये भी हो सकता है कि जो चीज आप मांग रहे हैं आप उसके बिल्कुल बरखिलाफ चीज मांग रहे हो, मैं दोनों की ख्वाहिशें कैसे पूरी करूं, अगर से कि अलाइनमेंट में भी है, आपकी भी ख्वाहिश अलाइनमेंट में, आपकी भी अलाइनमेंट में, लेकिन दो ऑपोजिट पोल्स को मैं कैसे मिलाऊं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट मैनेजर की है कि इसको देखना कि इसमें से जायज चीजें कौन सी हैं, और ये समझाने की कोशिश करना अगले को, स्टेक होल्डर को, कि जनाब ये जो आप रिक्वायरमेंट दे रहे हैं ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, और इसके अंदर जो ठीक नहीं है वो क्यों नहीं है, कैसे ये हमारे स्कोप में नहीं दाखिल हो सकती, या उसको ये समझाना कि ये जो बात आप कह रहे हैं बहुत बात की बात है, पहले आप ये प्रोजेक्ट होने दें, इसका रिजल्ट आएगा उसको चलाएंगे, चलाने के बाद फिर कहीं आपको पता चलेगा कि आपको बाद में नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है या कोई और हिसाब किताब है, दैट कुड बी स्टार्टेड एज अनदर प्रोजेक्ट, वी कांट एड स्कोप टू दिस प्रोजेक्ट। तो उसको बहुत प्यार से मोहब्बत से आपने स्टेक होल्डर को अंडरस्टैंडिंग देनी है और उसका ओपिनियन चेंज करने की कोशिश करनी है, अगर तो मेरी बात वो समझ लेता है, मान लेता है, तो मैं उसको ऑन बोर्ड ले आऊंगा, अगर नहीं लेता और ये वो बजिद है कि नहीं जी ये तो करना है, ये तो डालें आप भी, उस सूरत में मैं उसको उसका इश्यू एस्केलेट कर देता हूं अपने बॉस के पास, स्पॉन्सर के पास, स्पॉन्सर के पास वो जाएगा और उसके साथ बातचीत करेगा, अगर तो स्पॉन्सर ने समझा दिया वेल एंड गुड, अगर स्पॉन्सर ना समझा सका और खुद समझ गया
एग्री कर गया उसके साथ, मे भी स्टेक होल्डर इतना इंपॉर्टेंट हो गया, उसकी गलत डिजायर भी हम पूरी करने को तैयार हो गए हैं, तो मुझे बताएगा वो कि भाई मैं इसको कैसे करना है। मेरा मतलब है स्टेक होल्डर से कमिटमेंट करके आगे की सर आप कर देंगे जो आप कहते हैं कर देंगे, मुफ्त में कर देंगे। भाई आप तो मुफ्त में कर देंगे, मुझे मैंने प्रोजेक्ट करना है और मुझे तो बताओ मैं कैसे करूंगा, मैं तो मुफ्त में नहीं करूंगा ना, मैं तो मुझे तो कोई पैसे दो या कोई जो भी रिसोर्सेज है वो दो। तो वो चेंज रिक्वेस्ट की सूरत में आएगा, और चेंज रिक्वेस्ट इंटरनल है, दिस इंटरनल। अगर आपने कमिट किया कि कंपनी खुद करके देगी तो कंपनी रसे दे, और अगर उसने करना है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली करें, जाके कॉन्ट्रैक्ट में अमेंडमेंट करें और उसकी क्लास बीच में डालें। एनीवेज हमें कोई एतराज नहीं है रिक्वायरमेंट्स को ऐड करने में और स्कोप को बढ़ाने में या कुछ करने में, टिल द टाइम इट इज थ्रू द प्रॉपर चैनल। इसके अलावा जब मैं स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट उठा रहा हूं तो मुझे जिद्दी नहीं होना चाहिए, आई हैव टू बी हाईली फ्लेक्सीबल। अगर मैं कहता हूं नहीं जी पहले नहीं मुझे बताया गया था मैं तो नहीं करूंगा, ये हमारे अक्सर प्रोजेक्ट मैनेजर जिद्दी होते हैं, भीट होते हैं, नहीं माननी बात, लड़ पड़ेंगे, झगड़ा कर देंगे। इसमें दो बातें, पहली बात है कि आपको होना ही फ्लेक्सिबल चाहिए, और अगर कोई जायज बात कर रहा है, अगर उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन उसकी सीधी है, ठीक है, बात वो गलत नहीं कह रहा, भले वो आपके इनिशियल जो कॉन्ट्रैक्ट आपको जो एग्रीमेंट मिला हुआ है उसमें वो बात एग्रीड नहीं है, तो ठीक है चेंज रिक्वेस्ट डाल दो ना, मतलब आप अपने बॉस को बताएंगे इसको ये जेन्युइन पॉइंट है और मेरी तरफ से ये चेंज है, ये बजाय मेहरबानी आप इसको कंसिडर करें, और बॉस कहता है नहीं कंसिडर करना ये मेरी वजह है, तो फिर आप नीचे कम्युनिकेट कर देंगे नहीं जी मैंने तो पुट अप किया था केस, आपका केस एग्री नहीं हुआ, आप पे जाके मनाना है मना लो, और अगर नहीं मानता तो ठीक है, नहीं तो अगर वो समझता है कि ठीक है मेरी मैंने जो बात लिख के भेजी है वो ठीक है, तो वो फिर उसके लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन चाहिए या फंडिंग एलोकेशन चाहिए तो कर दे मुझे। तो कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स में सिर्फ वो रिक्वायरमेंट जो कि हम फाइनली टेक ऑन करेंगे, दे विल गो मूव ऑन टू द डिफाइन स्कोप प्रोसेस। डिफाइन स्कोप में सर यहां है जहां हम दरअसल बाउंड्रीज डिफाइन करते हैं, स्कोप जहां कहीं भी है, बेशक वो फिजिबिलिटी में है, वो चार्टर में है, वो बिजनेस केस में है, वो किसी भी डॉक्यूमेंट में है, प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट में किसी में, स्कोप बाउंड्रीज डिफाइन करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या स्कोप तो हर जगह पे होता है, स्टेटमेंट वर्क में भी है, फलानी जगह पे भी है, फलानी जगह पे भी है, तो क्या फिर हमें क्यों हम बार बार लिखते हैं स्कोप, वही स्कोप बार बार लिखी जा रहे हैं। मसला ये है कि जितना डॉक्यूमेंट ओरिजिनेशन पॉइंट के करीब होगा उतना स्केची होगा, वो स्कोप शुरू में फिजिबिलिटी में होगा वो बड़ा हल्का फुल्का सा होगा, फिर उसकी मजीद एलेबोरेशन हुई होगी, फिर मजीद हुई होगी। ये जो स्कोप स्टेटमेंट मैं बनाने लगा हूं डिफाइन स्कोप के अंदर, ये उस स्कोप की तफसीली तरीन शक्ल है। पहली वो स्कोप मैनेजमेंट वाली उसी पे बातें कर रहा हूँ ना मैं। जनाबो आवाजें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? तारिक को तो नहीं आ रही है आवाज सर, परफेक्ट आवाज आ रही है। आ रही है और बाकी अनीबा आपको आवाज आ रही है? वेरी गुड, वेरी क्लियर। तो ये तारिक भाई आप जरा देखें, आप तो कह रहे थे आपने कोई क्या कहते हैं फाइबर ऑप्टिक लगा लिया है, वो नेटवर्क वाले को पकड़ के जूते लगाए, क्या कर गया वो आपके साथ? आवाज आ रही है तारिक? तारिक साहब लॉस्ट हैं जी, चले हाँ जी, ओके जी सर क्लियर है, बीच में एक दफा गायब हुई थी लेकिन मैंने दोबारा रीस्टार्ट की तो आ गई। ओके ओके, वो होता है तारिक, मतलब वो नेट वो कहीं ना कहीं ड्रॉप शॉप होगा तो थोड़ा गुजारा कर लें, तो बात अगर कुछ समझ नहीं आती तो पूछ लिया करें, मैं बता दूंगा। ठीक है सर। अच्छा मैं पहुंचा था जी डिफाइन स्कोप की बात में कर रहा था, मैंने कहा कि स्कोप स्टेटमेंट बनेगी और ये मुफस्सिल तरीन हालत है डिफाइन स्कोप में, जो स्कोप स्टेटमेंट बनाने चल रहा हूं मैं, ये मुफस्सिल तरीन स्कोप है, इससे ज्यादा तफसीली स्कोप कोई नहीं बना सकता, ये प्रोजेक्ट मैनेजर बना रहा है। इससे पहले जिन लोगों ने बनाया था
स्पॉन्सर ने बनाया था, बिजनेस एनालिस्ट ने बनाया था, कस्टमर ने बनाया था, जिस किसी ने भी बनाया था वो उतना ही स्केची था। लेकिन अब तो मैं काम करने जा रहा हूँ ना, तो मैं तो काम कच्चे हाथों से नहीं करूंगा, तो मैं एक एक चीज तफसील से रिफाइन करूंगा। यहां अगला पॉइंट आ जाता है और वो जो है कि स्कोप में है क्या। स्कोप एक्चुअली दो किस्म के होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट स्कोप और एक होता है प्रोजेक्ट स्कोप। जब तक प्रोडक्ट स्कोप डिफाइन ना हो, प्रोजेक्ट स्कोप डिफाइन नहीं हो सकता। अब ये मैं आपको प्रोडक्ट स्कोप और प्रोजेक्ट स्कोप बताता हूं। मेरा ख्याल है मैं जुबानी जुबानी बोलने के बजाय आपको अगली स्लाइड पे ले जाऊं, ताकि आपको ये प्रोडक्ट स्कोप और प्रोजेक्ट स्कोप की स्लाइड है, ये आपको भी विजिबल हो गई होगी, होगी कि नहीं? आ रही है, आ रही है, आ रही है। आ रही है, नहीं आ रही है? मेरे पास आपकी वो जो है ना स्लाइड सिर्फ चैप्टर 5 प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट पे फंसा हुआ, उसके आगे कोई स्लाइड नहीं आई। सर वो फंसा नहीं हुआ, वो हम ही फंसे हुए थे, हम आगे गए ही नहीं। अच्छा ठीक है, अब हम जाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मैंने असल में उधर से ना आपका पावर पॉइंट लेक्चर खोल लिया था, तो वो साथ साथ में देख रहा था। हाँ, लैंडी पहुंच गया प्रोडक्ट स्कोप। प्रोजेक्ट स्कोप आपकी आ गई, आ गई। ओके, प्रोडक्ट स्कोप और प्रोजेक्ट स्कोप दोनों का डिटरमिन होना जरूरी है। पहले प्रोडक्ट स्कोप डिफाइन होगा, फिर प्रोजेक्ट स्कोप डिफाइन होगा। क्यों? प्रोडक्ट स्कोप ये बताता है क्या बनाना है, प्रोजेक्ट स्कोप ये बताता है कैसे बनाना है। तो प्रोडक्ट स्कोप में तमाम फीचर्स और फंक्शंस जो कि उस प्रोडक्ट में जो कि हम बनाने जा रहे हैं उसमें इंक्लूड करेंगे, वो सब लिखे जाएंगे, स्पेक्स रिक्वायरमेंट सब बातें उसकी उसमें लिखी जाएंगी। दिस इज द प्रोडक्ट स्कोप, एंड इसमें कतन ये कोई जिक्र नहीं होगा कि कैसे करना है ये काम, इसमें सिर्फ क्या करने की बात होगी। डिटेल स्पेसिफिकेशन हो सकती हैं, ड्राइंग्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज नॉट हाउ टू डू इट, दिस इज व्हाट टू डू। और ये वो एग्रीड रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने अभी कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स से चुन के निकाली हैं, अप्रूव होके निकाली हैं, खुद से नहीं हम बनाएंगे। और ये भी ध्यान में रखिए कि आपको शुरू में जो एक कस्टमर की स्टेटमेंट ऑफ वर्क आई थी, एग्रीमेंट आया था, उसको भी उसको मद्देनजर रख के ही ये बनाया गया है। लेकिन क्यों मैंने कलेक्ट रिक्वायरमेंट की जब सब कुछ मेरे पास पहले से मौजूद था, ताकि सारे स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड आ जाएं। अगर किसी और की कोई रिक्वायरमेंट या ख्वाहिश है, नीड एंड एक्सपेक्टेशंस, उनको मैं केटर कर लूं। अगर जायज है, जो जो चीजें जायज हैं वो बीच में ऐड कर दी जाएं आफ्टर ड्यू परमिशंस। ऐसा भी मुमकिन है कि इसके लिए हमें शायद कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीलियां करवानी पड़े, लेकिन हम केस तो पुट अप करेंगे। अगर अगला ना माने तो अलग बात है, अगर नहीं मानेगा तो प्रोडक्ट स्कोप में वो चीज शामिल नहीं होगी। सर एक चीज क्लियर करवाना चाहता हूँ कि देखें प्रोडक्ट स्कोप तक पहुंचने के लिए भी तो हमने कुछ पीछे काम किया ना सर, मतलब एक नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च करना है, पीछे काम हुआ कि यार अच्छा इस स्कोप हमें ये चीज चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि कैसी होगी वो तो बाद की बात है, लेकिन उस स्कोप तक पहुंचने के लिए जो काम पीछे हुआ है वो क्या होगा? इससे पीछे जो काम हुआ है वो अगर आप गौर करें तो प्रोजेक्ट के अंदर तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक तो हमने प्रोजेक्ट के अंदर तो आप काम शुरू किया है, प्रोजेक्ट से पहले काम हुआ है आपका, जो मोटा मोटा प्रिलिमिनरी स्कोप था वो आपने कोई डिस्कस किया था अपने स्पॉन्सर के साथ जब उसने आपको चार्टर दिया, उसने चार्टर में जस्टिफिकेशन दी और उसने बताया आपको क्या प्रोडक्ट बनानी है, और कुछ हल्की फुल्की गाइडलाइन भी दी होगी, कुछ बाउंड्री भी डिफाइन की होगी, ज्यादा तफसील में नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ होगा। फिर उसको जो मिला था डॉक्यूमेंट उसके अंदर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट था जो हमारा, ये भी तो हो सकता है कि प्रोडक्ट स्कोप तक पहुंचने के लिए मतलब एक वोलेटाइल मार्केट है, उसमें हम चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च हो कि जो बाकी प्रोडक्ट्स की नंबर ले जाए और कस्टमर्स हमारी तरफ आ जाएं, तो हम उसके ऊपर हम थोड़ा सा ऐसा काम करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि यार क्या प्रोडक्ट लेके आया जाए। अच्छा वो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है क्या वो इटसेल्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है? सर देखें बात ये है कि वो काम जो ब्रेनस्टॉर्मिंग या बिजनेस केस एनालिसिस, बिजनेस नीड, ये सब कुछ जो था, क्या आप ये समझ रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट का पार्ट है? मैं इस प्रोजेक्ट के पार्ट की बात मैं कह रहा हूँ कि वो इटसेल्फ एक पहले एक प्रोजेक्ट हुआ। हाँ जी, उसके बाद प्रोडक्ट स्कोप निकला। बिल्कुल बिल्कुल, वो एग्रीड हो गया, वो कोई प्रोजेक्ट था, उसने कोई नतीजा निकाला, एक्टिविटी वो जो कुछ भी कार्रवाई थी फिजिबल निकली, जिसके नतीजे में ये प्रोजेक्ट हुआ। लेकिन अब जब मैं ये प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ तो क्या इस वक्त भी वो चीज फिजिबल है?
क्या मुझे कर लेना चाहिए? हो सकता है कि वो फिजिबिलिटी 6 महीने पहले हुई हो और अब मैं ये काम करने का वक्त अब आया है, तो वो फिजिबिलिटी अभी तक फिजिबल है, वायबल है, तो मुझे ये देख नहीं, उसको तो रिविजिट किया जाएगा ना. और जब प्रोडक्ट स्कोप हम कह रहे हैं कि जब इस पे डिफाइन करके मतलब बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर सामने आएगी, तो उसके लिए हो सकता है कि हमें रिविजिट करना पड़े. हो सकता है कि कंडीशंस या एनवायरनमेंट इतनी चेंज ना हुई हो, हमें रिविजिट ना करना पड़े उसको. सर देखिए, बात यह है कि वो एक पूरी एक्सरसाइज थी, वो एक पूरा प्रोजेक्ट था, उसी की बुनियाद के ऊपर, उसी के ऊपर हमें ये इजाजत मिली कि ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाए. ठीक है, अब हमने शुरू कर दिया. अब शुरू करने के दावाद हो रहे हैं. प्रोजेक्ट स्पॉन्सर ने जब चार्टर लिखा, उसकी भी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो जरा एक दफा वायबिलिटी के ऊपर नजर मार ले. उसने एक जस्टिफिकेशन को देखा कि ये जो काम मुझे मैं करवाने जा रहा हूँ, क्या ये वायबल है. और जब उसने समझा कि ये वायबल है, तो उसने उसकी स्टेटमेंट बना के, चार्टर बना के मुझे दे दिया. अभी मैंने तो कमेंट कोई नहीं किया ना, अभी तो मैंने कहा यस सर नो सर ले लिया मैंने. अब जो ये चीज मैंने ले ली है, इस चीज को मैं अब तफसील से देखूंगा, और मैं उतनी तफसील से देखूंगा जितनी से किसी ने नहीं देखी होगी, क्योंकि मेरे पास तो टूल है रिक्वायरमेंट एनालाइज करने का, और उसने तो शायद एक चंद कस्टमर को देखा होगा. मैंने तो सारे स्टेक होल्डर को कंसिडर करना है, लेकिन ये दोनों ओके ठीक है. और जब मैं करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि जनाबे अली, ये जो मुझे प्रोडक्ट बनानी है, इसमें तो ये भी ऐड होना चाहिए, फलानी चीज भी ऐड होनी चाहिए. अब मेरी तरफ से अगर जायज कोई लोगों की ख्वाहिशात हैं, और मेरे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव के साथ भी लाइन करती है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ भी लाइन करती है, और स्टेक होल्डर की नीड्स के साथ भी लाइन करती है, ऐसे पॉइंट्स की जस्टिफिकेशन बनाकर मैं अपने बॉस को दूंगा, सर जी जो मुझे आपने काम दिया था उसमें ये रिक्वायरमेंट आएगी, ये तो एक्स्ट्रा, ये रिक्वायरमेंट भी लोगों की तरफ से आ रही है, क्या हम उसको ऐड कर सकते हैं? वो या हाँ कहेगा या ना कहेगा. ठीक है, वो नहीं मानता तो वो रीजन भी तो देगा ना सर, वही रीजन मैं स्टेकहोल्डर को जाके सुना दूंगा कि जनाब ये मुमकिन नहीं है और ये वजूहत है, तो आप बराए मेहरबानी अपनी एक्सपेक्टेशन जरा थोड़ी नीचे लेके आए. और अगर वो मेरा स्टेकहोल्डर नाराज हो जाता है, कहते हैं नहीं जी मैं तो इसके बगैर आपको काम ही नहीं करने दूंगा, तो आप कहते हैं सर जाए आप स्पॉन्सर के साथ बात कर लें और उसको मनाना है तो मना लें. मैंने एस्केलेट कर दिया इशू, वो स्पॉन्सर के पास गया और स्पॉन्सर को उसने धक्का झुक्का मारा, स्पॉन्सर को मना लिया. अब स्पॉन्सर मुझे कहते हैं करो, अब मुझे कहता है करो भाई, ये काम करने के तो पैसे भी लगते हैं, इसके ऊपर तो रिसोर्सेज भी चाहिए, तो मुझे वो दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो उसको ये बताना पड़ेगा कि वो मुझे ये रिसोर्सेज देगा नहीं देगा, कैसे देगा. और नंबर टू, अगर वो ये समझता है कि ये जो कस्टमर की या स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट है, इसको चेंज, इसको बीच में ऐड करने के लिए मेन कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली करनी पड़ेगी, तो जाए कस्टमर के पास, जाके उसे कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली करा के लाए, मेरा तो प्रॉब्लम नहीं है ना. इसका मतलब है कि प्रोडक्ट स्कोप लिखने से पहले ही जितनी बातें आपने की हैं, उससे पहले ये सारी बातें हो जाए, स्पॉन्सर के साथ क्लियर हो जाए, स्टेक होल्डर के साथ क्लियर हो जाए, जब सारा कुछ क्लियर हो जाए उसके बाद हम प्रोडक्ट स्कोप लिखें. एग्जैक्टली, प्रोडक्ट स्कोप का मतलब है कि ये वो फाइनल चीजें हैं जो करनी है, ये फाइनल. मैं समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया. और ये चीज बनानी है और इसकी ये स्पेक्स होंगी, ये फीचर्स होंगे, ये फंक्शन होंगे, बस यही करने वाले. और ठीक है, प्रोडक्ट, अगर मुझे प्रोडक्ट क्लियर है तो अब ये सवाल उठाया जा सकता है कि ये काम इसको कैसे बनाया जाए, मतलब इस प्रोडक्ट को मैं अचीव कैसे करूंगा, इसको अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. ठीक है, ये जो बात मैं अभी करने लगा हूं, इससे डिफाइन होना है प्रोजेक्ट का स्कोप. प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है? द वर्क दैट मस्ट बी डन इन ऑर्डर टू डिलीवर अ प्रोडक्ट विद दीज स्पेसिफाइड फीचर्स एंड फंक्शन. वो फीचर्स और फंक्शन जो कि हमने अभी प्रोडक्ट स्कोप में लिखे हैं, उसके मुताबिक इस चीज को बनाने के लिए मुझे क्या क्या काम करने पड़ेंगे. लेकिन इससे भी पेशर में ये काम आइडेंटिफाई करने से पहले मुझे एक चीज और भी देखनी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये काम, ये चीज बनाने के लिए कौन कौन से तरीके अवेलेबल है. देयर माइट बी मोर देन वन वे ऑफ डूइंग इट. So maybe I can identify
इसको कहते हैं अल्टरनेटिव जनरेशन। पहले जो हमने प्रोडक्ट स्कोप निकाला था उसके लिए एक टूल इस्तेमाल होता है, उसका नाम है प्रोडक्ट एनालिसिस। अब हम अल्टरनेटिव जनरेशन करने लगे हैं कि व्हाट आर द वेरियस अल्टरनेटिव्स ओपन टू अस, एंड देन वी विल फाइंड द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑल दोज वेरियस ऑप्शंस, एंड देन वी विल सजेस्ट द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। वी विल से कि ये तरीका सबसे बेहतर है, ये हम इसके ऊपर करने का इरादा रखते हैं। अगर तो आपको परमिशन चाहिए वो ले लें, नहीं तो अगर आप ही की राय, आप ही का सिलेक्टेड ऑप्शन चलना है तो इसके बाद मैं अगला स्टेप करूंगा। क्या हुआ जी, हमने अल्टरनेटिव जनरेट किए और उसका निकाल के हमने एक अल्टरनेटिव पे लैंड अप कर गया। यहां तक बात समझ आ गई नहीं? जनाब, एवरीबॉडी विद मी? ओके, अब अगला स्टेप क्या करना है? मैंने पहले, मैं फिर दोबारा वापस जाता हूं ताकि कोई शकूक और शुबहात बीच में ना रह जाए। पहले मैंने जो मेरी रिक्वायरमेंट थी और जो इनिशियल मुझे चार्टर वाटर मिला था सारा, जो डॉक्यूमेंट मिले थे, उनकी रोशनी में मैंने प्रोडक्ट स्कोप डिफाइन किया, एग्री किया। जो जो चीजें प्रोडक्ट स्कोप में ऐड हुई हैं वो सब की सब मैंने करनी है, और करना करने को प्रोजेक्ट स्कोप कहते हैं। कैसे करनी है ये प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट के स्कोप में आएगा। प्रोजेक्ट का स्कोप एस्टेब्लिश करने के लिए मैंने अल्टरनेटिव जनरेट किए, और अल्टरनेटिव जनरेट करके मैंने उनका प्रोज एंड कॉन्स निकाल के बेस्ट अप्रोच सिलेक्ट कर ली। जब आपने बेस्ट अप्रोच सिलेक्ट कर ली तो एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है जो मुझे करना है, वो है कि मैं अब जब अप्रोच मेरे सामने है तो मैं प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल डिफाइन कर सकता हूं। नाउ आई शुड से कि मैं कौन सा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इस्तेमाल करूंगा। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कैन बी मतलब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ स्टैंडर्डाइज भी हो सकता है, मार्केट इंडस्ट्री की तरफ से आप कोई उठा सकते हैं, या अगर कहीं और से नहीं उठाना तो आप खुद से बना भी सकते हैं। सो आप अपने काम को किन बड़े बड़े हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब आप उसकी फेजेस डिफाइन करेंगे। ओवरऑल प्रोडक्ट जो है पूरे प्रोजेक्ट का, वो तो आपने पहले डिफाइन कर लिया है, उसके फीचर एंड फंक्शन भी बता दिए। अब ये भी बता दीजिए कि हर फेज का आउटपुट क्या होगा, हर फेज का डिलीवरेबल क्या होगा, और उसकी भी स्पेक्स वहां पे स्पेसिफाई कर दीजिए कि जनाब ये कुछ होगा, ये इन चीजों का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा, फलाने बंदे की जिम्मेदारी होगी, फलाना बंदा इसको चेक करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, या कौन बोर्ड होगा, कौन लोग आएंगे जो इसे चेक करेंगे, और इनके अप्रूवल के बगैर प्रोसीजर पूरा कि कैसे इसकी एक्सेप्टेंस होगी। दरअसल ये बातें जो मैंने आपसे अभी की हैं, दिस फॉर्मुलेट्स द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट। ये बातें जब मेरा स्पॉन्सर एग्री कर लेगा तो उसने मुझे इन्हीं बातों पे तो चेक करना है, यहां भी दिखा तेरी फेज हो गई है, चेक कराओ मुझे, और उसी पे आपको वो पकड़ के आपके कान छान मरोड़ेगा। बिल्कुल, तो ये जो मैं स्कोप स्टेटमेंट बना रहा हूं, ये बेसिकली मेरे स्पॉन्सर ने उसको एग्री करना है, तब कहीं जाके मुझे इजाजत मिलेगी इसके मुताबिक काम शुरू करने का। अब आपने देखा कि आपके पास दो चीजें आ गई, प्रोडक्ट का स्कोप और प्रोजेक्ट का स्कोप। आगे चल के हम इन दोनों को पूरा करेंगे, और जब पूरा करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये चीजें सही हो रही हैं या नहीं हो रही। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं स्कोप की। प्रोडक्ट के स्कोप को मेजर किया जाएगा रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट। जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपका पड़ा हुआ है उसको खोलेंगे और कहेंगे हाँ ये दिखा, अब चेक कराओ जरा क्या क्या चीज होनी थी, क्या हुई है, क्या सब चीजें पूरी हैं कि नहीं है। इसको हम कहते हैं वैलिडेट स्कोप प्रोसेस। वो जो प्रोसेस है वैलिडेट स्कोप, जो कि आखिरी यूजर एक्सेप्टेंस थी, ये वो है। रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट चीज को चेक करना प्रोडक्ट स्कोप है, और प्रोडक्ट स्कोप को मेजर किया जाता है रिक्वायरमेंट्स के सामने। उस उधर से अगर ये हो जाए, प्रोडक्ट स्कोप पूरा हो जाए, तो कहानी खत्म। तो डिलीवरेबल आपका एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में चला गया, और कुछ वो स्टेक होल्डर अपना कस्टमर के हवाले ही करना रह गया। दूसरी चीज है हमारा प्रोजेक्ट का स्कोप पूरा हो रहा है कि नहीं, ये प्रोसेस को चेक करना है कि जो प्रोसेस हो गई है क्या वो ठीक हुई है, क्या वो स्कोप पूरा कर रही है, मतलब जो वर्क परफॉर्मेंस डेटा आया
उसका एनालिसिस स्कोप मैनेजमेंट प्लान के अगेंस्ट करना होगा कि ये क्या कितना स्कोप पूरा होना था, कितना हुआ है। मतलब कि तीन कमरों का घर बनना था, दो का बना है, ये क्या हो गया भाई, स्कोप पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो उसका एनालिसिस करेगा, इट विल बी मेजर्ड अगेंस्ट द प्लान, ठीक है जी। तो प्रोजेक्ट स्कोप इज मेजर्ड अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोजेक्ट स्कोप इज मेजर्ड अगेंस्ट द प्लान, और ये वैलिडेट स्कोप और कंट्रोल स्कोप है। अगर आप गौर करें तो जो प्रोसेस है, प्रोडक्ट स्कोप को चेक करने के लिए वैलिडेट स्कोप और प्रोजेक्ट स्कोप को चेक करने के लिए कंट्रोल स्कोप। तो ये बात यहां पे ये इतनी इंपॉर्टेंट है, ये स्कोप स्टेटमेंट बनाना, कि इसके अंदर आपका पूरा मैकेनिज्म जो है डिफाइन हो जाता है। वैलिडेट स्कोप जो है वो हमारा प्रोडक्ट का चक्कर है, प्रोडक्ट का चक्कर है, प्रोडक्ट स्कोप चेक कर रहा है, और जो कंट्रोल स्कोप है वो प्रोडक्ट का स्कोप चेक कर रहा है। अच्छा जी, उसके अलावा ये स्कोप स्टेटमेंट, ये तो मैंने आपको क्रक्स बताया कि स्कोप स्टेटमेंट में ये बातें, ये स्टेप्स, ये तरीके इस्तेमाल होते हैं। बुनियादी तौर पे एक वो जस्टिफिकेशन थी जो आपके स्पॉन्सर ने प्रोवाइड की थी कि वाई शुड आई बी डूइंग दिस प्रोजेक्ट। नाउ आई एम, मैं उसको जवाब शिकवा पेश कर रहा हूँ, उसने शिकवा किया था, मैं जवाब शिकवा पेश कर रहा हूँ। आई एम आंसरिंग बैक टू हिम वेदर दिस प्रोजेक्ट इज रियली जस्टिफाइड टू डू, मेरी फिजिबिलिटी वायबिलिटी क्या कहती है। तो अब अगर मैं ये कह दूं कि हाँ जी बिल्कुल सही है, ये प्रोजेक्ट तो बिल्कुल डूएबल है और मैंने चेक कर लिया है, ये ऑब्जेक्टिव की अलाइनमेंट भी है, ये भी है, वो भी है, तो इसका मतलब है कि ये मेरी तरफ से कमिटमेंट चली गई है। मतलब ये मैंने इनकार नहीं किया कि ये नहीं हो सकता, मैंने कह दिया कि ये हो सकता है, इसका मतलब है कि अब करना पड़ेगा। दूसरी बात, दो बातों का जवाब, पहली बात क्या ये मुमकिन है, दूसरी बात क्या मैं इतना कैपेबल हूं कि इस नेचर के काम को हैंडल कर सकूं, ये दो सवालों का जवाब मुझे देना होगा। अगर मैं कहता हूं कि ये प्रोजेक्ट तो जस्टिफाइड ही नहीं है और इसको कैंसिल कर दिया जाए, बात खत्म, वो फिर मुझे बताएगा कि अच्छा पुत्र खत्म करता हूं मैं अभी, सीधे हो क्यों ना जरा, तुमने फलानी चीज क्यों नहीं देखी, क्यों फलानी चीज क्यों नहीं देखी। लेकिन अगर मैं जस्टिफाइड हूं तो फिर शायद प्रोजेक्ट खत्म ही हो जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं कहता हूं प्रोजेक्ट तो जस्टिफाइड है लेकिन मैं सर इस काबिल नहीं हूं कि ये काम कर सकूं, मेरी तो स्पेशलाइजेशन ही ये नहीं है, मुझे आपने वो क्या कहते हैं, मैं माली था, आपने उठा के मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया है, तो मैं नहीं हैंडल कर सकता, तो किसी कैपेबल आदमी को लगाए तो बंदा बदल दिया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि स्पीक नाउ और होल्ड योर पीस फॉरएवर। हाँ जी बिल्कुल, कहते हैं बोल दे, स्कोप स्टेटमेंट में बता दे क्या तकलीफ है तुझे, नहीं तो बस ये टॉक तुम्हारे गले में डाल दिया है और तुमने खुद ही डाला है और आप तुम बता रहे हो आगे इसके बताएगा वो कि हाउ विल आई डू इट, कितनी फेजेस होंगी मेरी, मैं उसमें क्या क्या निकालूंगा। उसने कहा ये तो कमिटमेंट है भाई तेरी तरफ से, अब तू भाग नहीं सकता, यू प्रोमिस यूर सेल्फ कि ये हो जाएगा और ऐसे होगा, तुम करके वहां। तो क्राइटेरिया यूज टू डिटरमिन द प्रोजेक्ट और फेज हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, कि मेरी प्रोजेक्ट और फेज को कहां कहां चेक कर लिया जाए, क्या क्या चीज चेक कर ली जाए, क्या इस बात की निशानी होगी ये काम मुकम्मल और कामयाब हो गया है। तो ये फिर आएगा आपका स्पॉन्सर, आएगा अपनी टीम के साथ और वो फिर आपका गला दबाएगा इसके ऊपर कि पुत्र तूने कहा था कि ये फेज के तो ये निकलेगा, ये तूने क्या निकाला है, अब जरा सीधे होकर बात करो ना। तो ये जनाब स्कोप स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा स्कोप के स्टेटमेंट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसकी स्कोप स्टेटमेंट में आप बातें लिखते हैं, उसमें बहुत सी चीजें हैं और जनरली स्पीकिंग जो हेडिंग्स हैं वो तकरीबन वही हैं जो कि चार्टर में होती है, मगर ये डॉक्यूमेंट चार्टर नहीं है। चार्टर में मुख्तसरन बातें लिखी जाती हैं और वो स्पॉन्सर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एंड यहां मैंने हर चीज को ज्यादा तफसील में खोल खाल के डिस्क्राइब किया है। मैं भी यहां पर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव डिफाइन करूंगा, मैं अपनी जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करूंगा, मैं बताऊंगा कि मेरे प्रोजेक्ट के क्या क्या डिलीवरेबल्स हैं, उसके डिलीवरेबल्स क्या हैं, और उसके बाद मेरी फेजेस कितनी हैं, हर फेज का डिलीवरेबल क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, स्कोप की पूरी डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट के स्कोप की पूरी डिस्क्रिप्शन दूंगा, प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बताऊंगा, उसके बाद मैं अपने फेजेस के डिलीवरेबल जो है वो भी बताऊंगा, जो जो चीज मेरे प्रोजेक्ट के
गैम्बिट से बाहर है उनको मैं वाजे तौर पर डिस्क्राइब करूंगा कि ये काम तो नहीं करने हमने। मिसाल के तौर पे ऐसी रिक्वायरमेंट जो कस्टमर की जो स्टेक होल्डर्स की तरफ से आई थी और उनको नो हो गया है और उनको बता दिया गया है वो एक्सक्लूजन है ये नहीं करने। और इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट की मोटी मोटी अभी के लेवल तक अभी की हद तक कोई अजम्पशन या कंस्ट्रेंट्स हैं तो वो हम बताएंगे। कोई हाई लेवल अगर कोई रिस्क वगैरह इस स्टेज तक जो रिस्क नजर आते हैं वो बताएंगे। तो ये सब बातें जो हैं इन ये कलेक्ट करके तो दिस विल बिकम द स्कोप स्टेटमेंट। यहां तक जी कोई फाका हुआ? एनी कमेंट्स एनी क्वेश्चंस एनी आंसर्स? ओके वंडरफुल। अच्छा खैर जी हैविंग सेड दैट अभी ये मोटी मोटी जो पांचों प्रोसेस छह प्रोसेस हैं इनका ये आपके सामने है लेकिन नेचुरली हम इनको तफसील में एक एक को करके देखते हैं और वहां पे ये चीजें खुलती जाएंगी और हम देखते जाएंगे। ओके ये स्कोप मैनेजमेंट जो है वो जैसे हमने बताया कि इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द स्कोप मैनेजमेंट प्लान। स्टेटमेंट का लफ्ज गलत है आई एम सॉरी अबाउट इट। स्कोप मैनेजमेंट प्लान जो कि ये डॉक्यूमेंट करता है कि प्रोजेक्ट के स्कोप को कैसे डिफाइन किया जाएगा कैसे वैलिडेट किया जाएगा कैसे कंट्रोल किया जाएगा और उसका की बेनिफिट ये है कि ये हमें एक ओवरऑल गाइडेंस और डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है प्रोजेक्ट स्कोप के हवाले से जो हमने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर थ्रू आउट चलाना है। ये हमें एक गाइडलाइन प्लान प्रोवाइड कर रहा है कि स्कोप को कैसे मैनेज किया जाएगा और उसमें तब्दीलियां किस तरह से इंटीग्रेट की जाएंगी। इसमें यह भी बताया जाता है कि जनरली स्पीकिंग हमारा ये वाला प्रोजेक्ट जो है इसका स्कोप कितना स्टेबल है। आपको पता है ना प्रोजेक्ट किस किस्म का है ये? तो अगर तो से रिसर्च प्रोजेक्ट है तो रिसर्च प्रोजेक्ट में नेचुरली मेरा स्कोप क्लियर नहीं होता उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती स्कोप के अंदर कभी कुछ हो जाता है। लेकिन अगर मैं कोई घर बना रहा हूं मुझे पता है तीन कमरों का घर है मतलब क्या बहुत बड़ा स्कोप क्या आएगा एक कमरा ऐड हो जाएगा एक दरवाजा लग जाएगा एक इधर हो जाएगा उधर हो जाएगा तो दैट इज स्कोप प्रीटी मच स्टेबल है। लेकिन अगर पूरे हवा का हवा ही बिगड़ जाए तो वो मेरे लिए इनस्टेबिलिटी की निशानी है। तो मुझे अंदाजा ये दे देता है स्कोप मैनेजमेंट प्लान कि हमारे स्कोप में क्या गुंजाइश है स्टेबिलिटी है नहीं है और एक क्लियर डिस्क्रिप्शन देता है कि स्कोप चेंजेस कैसे आइडेंटिफाई होंगी क्लासिफाई होंगी और उनको कैसे डील किया जाएगा। मतलब वही जो स्कोप मैनेजमेंट प्लान वाली बात है मैनेजमेंट चेंज मैनेजमेंट की स्कोप की चेंजेस को कैसे मैनेज किया जाएगा तो वो चीज यहां पे आ जाती है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई जी अभी तक? मेरा ख्याल है कि नेट का कुछ नजर आ रहा है मुझे हल्का हल्का। ठीक है ये अभी कुछ लिखा हुआ आया था। एनीवे जी तो स्कोप मैनेजमेंट प्लान जैसे आपको पता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का एक हिस्सा है और ये डिफाइन डेवलप मॉनिटर और कंट्रोल और फिर वेरीफाई करता है आपके स्कोप को। इसके मेजर इनपुट्स में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान आएगा और स्कोप मैनेजमेंट की प्रोसेसेस को हम करेंगे। स्कोप मैनेजमेंट प्लान जो है कैसा हो सकता है? इट कुड बी फॉर्मल और इनफॉर्मल इट कुड बी ब्रॉडली फ्रेम्ड और हाईली डिटेल्ड डिपेंड करता है किस किस्म का प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं। देखें एक सीधी सी बात है प्रोजेक्ट आपका दो घंटे का है और आप उसके ऊपर 500 सफ़े का डॉक्यूमेंट तो नहीं लिखने वाले ना। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट यू आर डूइंग क्या सेंसिटिविटी है क्या हिसाब किताब है उस हिसाब से ही हम उसकी डिटेल डॉक्यूमेंट बनाएंगे। बिला वजह काम से ज्यादा काम हम डॉक्यूमेंटेशन में नहीं करना चाहते। तो ये आप खुद बेटर जाएंगे इसको फॉर्मल बनाना है इनफॉर्मल बनाना है इसको किस तरह फ्रेम करना है कितनी डिटेल में जाना है हाईली डिटेल होगा कि ब्रॉडली फ्रेम्ड होगा क्या हिसाब किताब उसमें। हाँ जी मेरा मतलब है ये तो एक हर एक आदमी जानता है कि यार मैं किस किस्म का काम कर रहा हूँ और कैसे उसको करना है। दिस इज द प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग द डिटेल्ड स्कोप स्टेटमेंट प्रोसेस दैट एनेबल्स द क्रिएशन ऑफ डब्ल्यू एस। स्कोप स्टेटमेंट बन जाएगा ना आपका तो स्कोप स्टेटमेंट की बुनियाद पर डब्ल्यू बी एस बन सकता है। जब तक स्कोप स्टेटमेंट ही नहीं है तो डब्ल्यू बी एस किस बात का बना रहे हैं आप। उसके बाद हाउ द डब्ल्यू बी एस विल बी मेंटेन्ड एंड अप्रूव। अभी डब्ल्यू बी एस में तब्दीलियां होनी है उनका कौन हिसाब किताब रखेगा क्योंकि डब्ल्यू बी एस तो जड़ है
इससे आगे तो एक्टिविटीज बननी है, फिर एक्टिविटीज की एस्टिमेट लगने, पता चले डब्ल्यूबीएस में से एक ब्रांच ही गायब हो जाती है बाद में जाके, तो वो सारी एक्टिविटीज बीच में से गायब हो जाती है या एक ऐड हो जाती है, तो आपका तो कितना सारा मेजर चेंज आ गया। तो इनको कैसे मेंटेन इंप्रूव करना है, कैसे इनको इनकी चेंज कंट्रोल को कैसे मैनेज करना है। प्रोसेस दैट स्पेसिफाइज हाउ फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ द कंप्लीटेड प्रोजेक्ट डिलीवरेबल विल बी ऑब्टेन्ड, कि जब कोई चीज बन जाएगी तो उसका एक्सेप्टेंस प्रोसीजर क्या होगा, वो यूजर एक्सेप्टेंस वाली बात, वैलिडेट स्कोप में जो हम करते हैं। प्रोसेस टू कंट्रोल हाउ रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस टू बी टू द डिटेल्ड प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट विल बी प्रोसेस्ड, चेंज का क्या मैकेनिज्म होगा। प्रोसेस इज डायरेक्टली लिंक टू द परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, क्योंकि आपको पता ही है जो भी कोई चेंज रिक्वेस्ट होगी वो जाएगी इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल के पास और वहां से आगे प्रोसेस। ये तो हो गया स्कोप मैनेजमेंट प्लान। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान क्या करेगा, ये भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा ही कहलाता है और इसका काम है रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करना, डॉक्यूमेंट करना और मैनेज करना। द फेस टू फेस रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंसेस हाउ रिक्वायरमेंट्स आर मैनेज्ड। आप अगर फेजेस एग्जिस्ट करती हैं तो फेज हर फेज में स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट पूरी होंगी और वो सक्सेस स्टोरीज आपकी बनेंगी और इस तरीके के साथ आप चलते चलते कंप्लीशन की तरफ जाएंगे, तो इससे काफी कंफर्ट मिलती है फेजेस की वजह से रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में, क्विक सक्सेसेस आपको मिलना शुरू हो जाती है। द प्रोजेक्ट मैनेजर चूजेस द मोस्ट इफेक्टिव रिलेशनशिप फॉर द प्रोजेक्ट एंड डॉक्यूमेंट्स दिस अप्रोच इन द रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। ये उसने अपनी अपनी जो अप्रोच तैयार करनी है वो लिख ली। मेनी ऑफ द रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान कंपोनेंट्स आर बेस्ड ऑन दैट रिलेशनशिप। इसके अंदर क्या है जी कंपोनेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, इसके अंदर क्या होना चाहिए? वो कहते हैं जी हाउ रिक्वायरमेंट एक्टिविटीज को विल बी प्लान ट्रैक्ड एंड रिपोर्टेड, तरीका इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे रखी जाएगी। मिसाल के तौर पे हाउ चेंजेस टू अ प्रोडक्ट विल बी इनिशिएटेड, हाउ इंपैक्ट्स विल बी एनालाइज्ड, हाउ दे विल बी ट्रेस्ड एंड रिपोर्टेड, द ऑथोराइजेशन लेवल्स रिक्वायर्ड टू अप्रूव द चेंजेस। आप देखें कितनी बारीकी में जा रहा है। तो ये लेवल्स, ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की एक्टिविटीज है। फिर रिक्वायरमेंट्स की प्रायोरिटाइजेशन, जैसे आप अभी बात कर रहे थे एजाइल के हवाले से, तो एजाइल में हम कहते हैं ना यूजर स्टोरीज आ गई, अब उनको प्रायोरिटाइज करो, तो रिक्वायरमेंट्स को भी प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है कि वो रिक्वायरमेंट पहले पूरी की जाएं जो सबसे ज्यादा फायदा देने वाली हैं, ताकि हमारी शुरू की सक्सेसेस ज्यादा हों और बाद में छोटे छोटे फेज वाइज भी देखेंगे। आप फेज पहली फेज में रखेंगे वो जो बड़ी अकम्पलिशमेंट्स है। प्रोडक्ट मैट्रिक्स विल बी दैट विल बी यूज्ड एंड रैशनल फॉर यूजिंग दैम। ट्रेसिबिलिटी स्ट्रक्चर, ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था, टू रिफ्लेक्ट विच रिक्वायरमेंट एट्रीब्यूट विल बी कैप्चर्ड ऑन द ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स, कौन कौन से एट्रीब्यूट अपने वहां रखने हैं जिनको ट्रेस करने की जरूरत पड़ेगी। रिक्वायरमेंट्स को अगर क्लासीफाई किया जाए तो हमारे पास ये मुख्तलिफ किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट है, स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स हैं, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल उसके अंदर आ जाती हैं रिक्वायरमेंट, ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। हाँ हो तो सकता है जायल वगैरह में, लेकिन उस सूरत में ये होगा जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं वो ब्रॉडली होंगे और उसके बाद आप जो फेज उठा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट को डिटेल में रहेंगे। देखिए आप अगर गौर करें तो वी आर गोइंग थ्रू इनिशिएशन प्लानिंग एक्टिवेशन मॉनिटरिंग कंट्रोल क्लोज इन एवरी फेज, सो द रिक्वायरमेंट कलेक्शन का फेज तो हर एक का आएगा, तो हर फेज अपने हिसाब से मजीद डिग डाउन करेगा तो वो सारे काम करेगा। सारा कुछ मतलब बंधा हुआ है सारा एक धागे में। फिर आप आ जाइए प्लान स्कोप मैनेजमेंट, तो खैर आपको मैंने पैसे जुबानी बता दिया सारा कुछ कि प्रोजेक्ट में प्लान होगा, एंटरप्राइज नॉन एंटरप्राइज होंगे, प्रोसेस होंगे और चार्टर, तो आपको पता है कि स्कोप मैनेजमेंट ये काम करना है तो उसको चार्टर चाहिए चाहिए। टूल्स को नए नहीं है, एक्सपर्ट जजमेंट और मीटिंग से बहुत बचपन से वाकिफ है और जो इसके आउटपुट्स हैं दो मैनेजमेंट प्लान है, स्कोप का है और एक रिक्वायरमेंट्स का है। और यहां आप देख भी सकते हैं इस डायग्राम में कि स्कोप मैनेजमेंट प्लान जो अभी बनाया है हमने वो कहां कहां जा रहा है, कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स को भी जा रहा है, डिफाइन स्कोप को भी जा रहा है और क्रिएट डब्ल्यूबीएस को भी जा रहा है। इस क्योंकि स्कोप मैनेजमेंट प्लान तो इन सबके बारे में है ना, तो इनके बारे में हिदायत होंगी, लेकिन रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान इज नॉट रिक्वायर्ड बाय एनीवन एक्सेप्ट कलेक्ट रिक्वायरमेंट, बिकॉज इसको तो पहले ही इसके लिए किया गया है रिक्वायरमेंट कैसे कलेक्ट और मैनेज करनी है, तो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान इज ओनली रिक्वायर्ड बाय द कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स पास।
बाकी ये इनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, इनको मैं स्किप करता हूँ, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। हाँ अलबत्त आप ये देख लीजिए, ये वही बातें हैं जो मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान में क्या होता है, स्कोप मैनेजमेंट प्लान में क्या होता है। नेक्स्ट प्रोसेस है जी कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स 5.2। ये प्रोसेस है जी कि ये डिटरमिन करने की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको डॉक्यूमेंट करने की, और मैनेज करना है स्टेक होल्डर्स की नीड्स को और रिक्वायरमेंट्स को जो कि प्रोजेक्ट की ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए जरूरी है। ये हमें बेसिस प्रोवाइड करेगा डिफाइन और मैनेज करने के लिए प्रोजेक्ट को स्कोप को, इसके अंदर प्रोडक्ट का स्कोप भी शामिल है। चलाना तो प्रोजेक्ट है ना, लेकिन प्रोडक्ट का स्कोप होगा तो प्रोजेक्ट का स्कोप बनेगा ना, तो प्रोजेक्ट का स्कोप पूरा करने के लिए प्रोडक्ट का स्कोप पूरा करना पड़ेगा, और इसको डिफाइन करना, इसको मैनेज करना, उसका प्लान करना सारा, दिस इज देयर। देखिए जी स्टेक होल्डर हमारे लिए बड़ा जरूरी है, स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स में अशद जरूरी है। रीजन भी कि स्टेक होल्डर मैं कहता हूं कस्टमर ही नहीं है और लोग भी हैं। शायद आप एग्जांपल एक पहले मैंने दी थी कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है वो एक बिल्डिंग बनाने का है जिसके अंदर उसकी छत के अंदर जो सरिया पड़ना है वो स्पेसिफाइड है, क्या करते हैं जी कितना 3/8 इंच काफी रहेगा तारीख, जी तारीख सरिया कौन सा डालें यार बताओ, है ये? अच्छा 3/8 इंच का फसका सरिया है एक खास स्पेसिंग के साथ, आपने वो जब जाला बांधते हैं ना छत के ऊपर देखा होगा आप लोगों ने, वो जाला जो है वो उसके अंदर आप कहते हैं फलानी साइज का सरिया डालो और उसको इतना इतना सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रखो, फिर उसको बांधा जाता है तो जाला बनता है, दिस गिव्स द स्ट्रेंथ। ठीक है, दिस इज इन डिजाइन, आई कांट चेंज इट, दिस इज अकॉर्डिंग टू द स्कोप, एवरीथिंग इज ओके, वी ऑल एग्रीड, ऐसे ही बनाना है। लेकिन हुआ क्या, जब मैंने उसका ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश की तो कॉन्ट्रैक्टर मेरे पास आ गया, सर ये सरिया तो आजकल नहीं आ रहा, की करिए कौन सा सरिया आ रहा है, सर ये 3/4 इंच का मिल जाएगा, 3/8 इंच जो है वो उससे दुगना मोटा सरिया मिल जाएगा। अब मैं वो लगा दूं, कॉस्ट तो एक तरफ गई, ओवर रीइंफोर्स्ड हो जाएगा, अंडर रीइंफोर्स्ड एंड ओवर रीइंफोर्स्ड दोनों डिजास्टर है, दोनों की सूरत में छत गिर जाएगी। ओवर रीइंफोर्स्ड में आपकी सारी कंक्रीट झड़ के नीचे गिर जाएगी, छत पड़ी रहेगी वहीं पर, और अंडर रीइंफोर्स्ड में कोई छत नीचे गिरेगी। खैर एनीवेज वो तो खैर कोई थोड़ी टेक्निकल बातें, मतलब मैं इसीलिए पूछ रहा था कि तारिक जमाल हमें गाइड करे क्योंकि मैं कोई इतना रेगुलर किस्म का इंजीनियर नहीं हूं, तारिक जमाल ने तो बहुत काम किए हैं। तो एनीवेज तो मैंने ओवर रीइंफोर्स नहीं करना, अब ये तो डिजाइन गड़बड़ हो गया जनाब, रिक्वायरमेंट जो 3/8 इंच, वो कहता है जी मैंने तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दिया 3/8 इंच, मुझे यही डिजाइन डाल के दो, और मैं कहता हूँ है ही नहीं भाई क्या करूं। अगर वो बजिद है कि भाई इम्पोर्ट करो कहीं से, मुझे नहीं पता कहां से करते हो, और वो मुझे 10 गुना ज्यादा कीमत भी पड़ता है तो मुझे करना पड़ेगा, या मैं उसको कन्विंस करूं कि इसको मैं रीडिजाइन कर देता हूं। रीडिजाइन करने का मतलब ये होता है कि भाई उसके जो फासला है बीच में वो 3/8 इंच के हिसाब से है, इसको रीडिजाइन करना पड़ेगा ताकि फासला बढ़ा दिया जाए तो 3/4 इंच का सरिया उसके ऊपर चल जाएगा। तो इस तरीके के साथ मैं उसको रीडिजाइन करके और उसे अप्रूव करवा के कॉन्ट्रैक्ट में अमेंडमेंट करवा के उसमें कॉस्ट वॉस्ट का जो फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा लेकिन कुछ तो पड़ेगा ना। तो और दूसरी बात सबसे बड़ी बात हमारी सेफ्टी की है, मतलब आप 3/4 इंच चढ़ा देते और गड़बड़ हो जाती वो तो डिजाइन का मिस्टेक हो गया ना, तो मुझे अप्रूव कराना पड़ेगा ना कहीं से, इवन मैं वो भी करना चाहूं तो करना पड़ेगा। तो स्टेक होल्डर की, ये स्टेक होल्डर कौन था, ये कस्टमर नहीं था जिसने ये चेंज करवाई है, ये कस्टमर था ही नहीं, ये तो मेरा ठेकेदार था। आपने देखा कि स्टेक ठेकेदार का इंटरेस्ट या नीड या रिविजन ने प्रोजेक्ट का दिया पांचा चेंज कर दिया, तो कोई भी स्टेक होल्डर आपके साथ कोई भी गेम खेल सकता है, कुछ भी आपके साथ हो सकता है, इसलिए बी रेस्ट अश्योर्ड
कि स्टेक होल्डर को क्या कहते हैं हल्के नहीं लेना। हाँ अभी बातें बना रहे हैं यार को पकड़ के जान जुड़ गए परे करो सीधा करो भाई तुम ऐसी ड्रामे बना दे रहे हो। तो जनाब रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड द क्वांटिफाइड एंड डॉक्यूमेंटेड नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्पॉन्सर कस्टमर एंड अदर स्टेक होल्डर्स। दीज रिक्वायरमेंट नीड टू बी एलिसिटेड और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है एलिसिट करने का। जो अपने इन्फॉर्मेशन लेनी है भाई हो सकता है कि इस जिसको मैंने ये मुझे क्या मैंने फर्स्ट टाइम रिक्वायरमेंट पट्टी की है तो उस वक्त रिक्वायरमेंट कुछ और बाद जाके जाकर चेंज हो जाए तो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट भी तो बनाया है कि वो कॉन्टिन्यूसली जो भी तब्दीलियां ख्वाहिशात में भी आ रही हैं वो जो कुछ हो रहा है उसको मैं इंडक्ट कर सकूं। रिक्वायरमेंट बिकम द फाउंडेशन ऑफ द डब्ल्यूबीएस। अच्छी रिक्वायरमेंट्स होंगी सॉलिड रिक्वायरमेंट्स होंगी तो मेरा डब्ल्यूबीएस उतना स्ट्रांग बनेगा और अगर डब्ल्यूबीएस स्ट्रांग होगा तो आगे की सारी प्लानिंग इस पर डिपेंडेंट है। कॉस्ट की स्केड्यूलिंग की क्वालिटी की प्रोक्योरमेंट की सारा कुछ इस पर डिपेंडेंट। तो आपने देखा स्टेक होल्डर से कैसे बनी हुई है सारी चीजें। स्टेक होल्डर जरा सी जुम्बिश करे एक स्टेक होल्डर इधर से उधर हो जाए तो आपके पूरा प्रोजेक्ट सारा लटक जाता है। तो बेहतर यही है कि हम इसको अकलमंदी के साथ एक तो पेशेंस के साथ डोंट लूज पेशेंस बी वेरी फ्लेक्सिबल। बिल्कुल आप ये सॉफ्टवेयर में आप लोग ये बातें करें नहीं जी अब ये नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी ओ भाई ओला कूल डाउन कस्टमर इज अ बॉस लिसन टू हिम क्या कहना चाह रहा है क्या प्रॉब्लम है उसका। इसीलिए तो हम एजाइल की बात करते हैं कि उसको अकोमोडेट किया जा सके उसकी भाई वो क्या होगा आपका प्रोजेक्ट नहीं पे करेगा छोड़ के चला जाएगा किसी और जाके करा लेगा जो ज्यादा फ्लेक्सिबल है उससे काम करा लेगा। तो मैंने आप इंसान के बच्चे बन जाओ और आप ज्यादा जिद्दी ना करो रिक्वायरमेंट्स की कैटेगरीज मैंने आपको मोटी मोटी दिखाई थी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स थी और स्टेक होल्डर सॉल्यूशन। स्टेक पहले भी देखते हैं कि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या है which describe the higher level needs of the organization as a whole. ये वो strategic objective, वो ऊपर वाले objective. Where, as a whole, such as the business issues or opportunities and reasons why a project has been undertaken. वही objective alignment और वो सारा साफ था. Stakeholder की requirement मैंने अभी आपको दिखाई है जो एक ठेकेदार ने आपको पकड़ के राव लू के रख दिया तो which require need of the stakeholder or stakeholder group. आपकी वो यूनियन खड़ी हो जाती है फैक्ट्री में कि नहीं करेंगे काम तनखाएं बढ़ाओ मेरा मतलब है कुछ करना पड़ेगा भाई स्टेक होल्डर इज नॉट रेडी टू वर्क किधर जाना है आपने तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ उसका इलाज। सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट्स सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट जो है वो दो किस्म की है उसमें फंक्शनल है और नॉन फंक्शनल। अच्छा अब ये जरा यहां पे समझने वाली बात है कि फंक्शनल क्या है और नॉन फंक्शनल क्या है इसको समझने में हम अक्सर गलती करते हैं। यहां पे आती हैं जनाब फीचर्स फंक्शंस कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में आनी है ये असल रिक्वायरमेंट्स ये हैं आपके प्रोजेक्ट की और ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो बिजनेस रिक्वायरमेंट थी वो स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी आई मीन सॉल्यूशन जो आपने बनाना है जो चीज बनानी है प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की कहना चाहिए। इसमें से फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो हैं जो कि कस्टमर मांग रहा है वो कहते हैं ये चीज हो ये इसमें ये कर सकती हो ये कर सकती हो ये कर सकती हो बिहेवियर ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा ठीक है आप कहते हैं मैंने मोबाइल खरीदना है ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ फंक्शनल फीचर डिफाइनिंग ये बिहेवियर यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर फोन और ये उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है अगर मुझे उसमें से कोई एक आध फीचर नहीं मिलता मैं वो फोन एक्सेप्ट नहीं करता खरीदता ही नहीं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड प्रोसेस डेटा एन इंटरेक्शन विद द प्रोडक्ट। अच्छा अब ये तो फंक्शन है अब अगली चीज है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नो देखिए बड़ा बारीक सा फर्क है इधर कहते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सप्लीमेंट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सोचने वाली बात है ये कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट एक ठीक है जी इसके अंदर टेलीफोन है तो टेलीफोन बात हो सके अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि बात किस क्वालिटी की हो सके। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्वालिटी इज अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। हर फंक्शनल रिक्वायरमेंट के पीछे एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है हर फंक्शनल रिक्वायरमेंट हाँ कितनी है कितने वो उसका हो रेजोल्यूशन का और हाँ मतलब तस्वीर ले सकता हो अब कितनी का क्या आपका टॉलरेंस लेवल क्या है वो सब तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब यहां लिखता है एंड डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल कंडीशंस आर क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्ट टू बी इफेक्टिव।
और कीजिएगा। कहते हैं डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल कंडीशंस आर क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्ट टू बी इफेक्टिव। आप ये कंफ्यूज ना कीजिए, वो जो बाद में क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, ये जो चीज बनानी है अंदर, जो अंदर हम बना रहे हैं प्रोजेक्ट के, जो प्रोडक्ट बनाना है, ये प्रोडक्ट की फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। तो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स ये हैं प्रोजेक्ट के अंदर, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स ये हैं, वो दूसरे की मैं बात करता हूँ। इसके बाद है ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट्स। ये चीज जब बन जाएगी, इसको कस्टमर की साइड पे या ऑपरेशंस में कैसे शिफ्ट किया जाएगा, लोगों को ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, उनको सस्टेन कैसे कराया जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह, दिस इज ऑल दी ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट। के अभी जिस स्टेट में वो लोग हैं, वहां से इस मशीन पे या इस तरीके के ऊपर काम करने के आदि हो जाने तक की ट्रांजिशन कैसे हो। फिर है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, और ये डिस्क्राइब करती है वो एक्शंस, प्रोसेसेस आर कंडीशन दैट प्रोजेक्ट नीड्स टू मीट। प्रोजेक्ट को क्या शरायत पूरी करनी है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें हैं कि जनाब फलानी चीजें कंप्लीट हो, हैंड ओवर प्रॉपर हो, फलानी चीज हो, लेसन लर्न रिकॉर्डेड हो, वगैरह वगैरह वगैरह। सो दीज आर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। फिर आ जाती है क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, विच कैप्चर एनी कंडीशन और क्राइटेरिया नीडेड टू वैलिडेट द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल और फुलफिलमेंट ऑफ अदर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। ये फाइनल मोहर है क्वालिटी की, जनाब ये सारे क्राइटेरिया जिसने क्वालिटी के, मिसाल के तौर पर कंपनी हमारी ISO सर्टिफाइड है और उनके क्वालिटी पॉलिसी और ये वो सारी कंडीशन और वो जो कुछ हमारा हिसाब किताब है वो पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। वरना जो प्रोडक्ट के हवाले से क्वालिटी है वो तो नॉन फंक्शनल में आ गई। तो जहां अब ये जो कलेक्ट रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर हम स्कोप मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं, इनपुट करते हैं, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, दोनों प्लान इनपुट हो जाते हैं। और तीसरा एक प्लान स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान भी मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने इन स्टेक होल्डर से डाटा लेना है, उन स्टेक होल्डर को कैसे मैनेज किया जाएगा, उसके असूल लिखे हुए हैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान में। और उन स्टेक होल्डर जिनसे मैं रिक्वायरमेंट उठाना चाहता हूँ उनकी लिस्ट है स्टेक होल्डर रजिस्टर, चार्टर भी मेरे सामने है। अब मैंने उनसे जो चीजें इकट्ठी करनी है वो है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, और फिर मैंने उसकी रोशनी में एक ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक क्रिएट करना है ताकि बाद में इन रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करने में आसानी हो। टूल्स की एक लंबी लिस्ट है यहाँ पर। अब ये मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि ये क्या है और कैसे है। जिन लोगों से रिक्वायरमेंट्स लेनी होती है वो कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन। अगर तो नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम होम यू आर सपोज टू बी कलेक्टिंग द रिक्वायरमेंट दे आर बट फ्यू, यू कैन फिजिकली मीट देम, टेक टाइम फ्रॉम देम, मीट देम एंड हैव, जिसे कहते हैं कि एग्जॉस्टिव डिस्कशन विद देम। इंटरव्यू इज द बेस्ट वे ऑफ डेटा कलेक्शन, वन टू वन इंटरेक्शन, प्राइवेसी, फ्रेंकनेस, लॉयल्टी, ऑल द फीचर्स आर फाउंड देयर। And then you are discussing, you are qualitatively बात से बात निकालते हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन लिख के लेके गए हो या आपने जेन में कुछ क्वेश्चन रखे हो, लेकिन जब वो उसका कोई जवाब देगा किसी सवाल का, तो उस सवाल से एक और जवाब से एक और सवाल निकलेगा और वो वजाहतें आती जाएंगी और वो चीजें आप नोट करते जाएंगे। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट द केस इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इंटरव्यूज may not be effective because there could be many people to be interviewed. या तो group size बड़ा हो या ऐसा हो कि जो बंदा interview से आप करने गए हैं उनको कख ना पता हो। And this was exactly जो मैं पहले आपको example वो नादरा वाली दे रहा था, जब मैं उधर interview करने के लिए पहुंचा मैंने उनको बताया ना क्या हुआ, और आई भाई हाई पता नहीं क्या ये वो। अब आप डीजी की पोजिशन में बैठे हो यार, कोई थोड़ा मतलब पता तो हो तुम, मतलब वो जो नीचे नहीं आपके नीचे बैठते है पूरा ऑपरेशन का सेटअप लगा हुआ है, वो बीच में बैठे हुए लोग होंगे, सब टीम उसके सामने शीशे से देख भी रहा होता सारा, कख नहीं पता से उन्होंने क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है पता नहीं, वो मतलब सारा दिन क्या करते थे, कोई पुरानी बात कर रहा हूँ अभी वाले को ना पूछा तो उसको ना समझिएगा। तो अल्टीमेटली जब उसकी तरफ से हमें कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला तो हमने कहा कि किसको पता है इन बातों का, तो उन्होंने कहा कि यार ये चीज फलाने को पता है, ये फलाने को पता है, उसी के सबॉर्डिनेशन में। तो वो एक मुझे याद है एक नाम मेजर सुहेल कोई होता था,
कर्नल ही आया था वो, आई डोंट नो हाँ बता दा रखा था वो गालिबन कोई चीज संभाल रहा था, उसने आके फिर काफी बातें क्लियर की। तो एनीवेज अभी वो वही है, ऑपरेशन में ही है। अच्छा तो क्या खत्म हो गया फौज से, राइट? अच्छा तो वो क्या नाम, उसने फोकस ग्रुप में हम बुला लिए उन लोगों को जो लोग, और इधर मीटिंग हमने की और उसी में मैंने उसको क्वालिटी वाली खातून को भी बुलवाया था। तो वहां पे फोकस में आप बात करते हैं सारी के लिए, अच्छा बताएं आप बताएं इसका जवाब आप बताएं। तो उसमें एक बड़ा फायदा हो जाता है कि सारे जो 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 बातें जानते हैं वो सब मौजूद हैं और वो सब डेटा एक जगह पे आ गया तो हमने इकट्ठा कर लिया। लेकिन जहां मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है फोकस ग्रुप में प्रॉब्लम भी होती है, अब वो बड़ा बॉस बैठा हुआ है उसके सामने आप मतलब उसको नीचा तो नहीं दिखाना चाहते ना, उन्होंने कोई गल पता नहीं है, मैं बढ़ चढ़ के जवाब दूं तो कहेगा तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने कि इसका जवाब देने मैं दे देता। तो एनीवेज वो कुछ थोड़ी सी रिजर्वेशन आ जाती है, फ्रैंकनेस खत्म हो जाती है। और एक मैंने कल एक नाम शायद दिया होगा, ग्रुप थिंक का एलिमेंट ऐड हो जाता है। ग्रुप थिंक का मतलब होता है सब लोग एक तरह सोचने लग गए, मतलब एक तो है ना कि आप इंप्रेस होते हैं अपने बॉस से डर के या उससे उसकी इज्जत रखने के लिए आप कोई बात छुपाते हैं या नहीं बताते सही। एक है कि एक आदमी ने एक बात कर दी और सबने हामी भरी, हाँ ये ठीक कह रहे, वो मैं भी वही एडवोकेट करना शुरू कर दी उसी लाइन पे सोचना ग्रुप थिंक। और ये ग्रुप थिंक इज नॉट अ बैड गुड थिंग, इट इज अ बैड थिंग। और मैं मुझे हैरत होती है, मैंने एक दफा एक मिनिस्टर साहब को बड़े पढ़े लिखे और आला जर्फ किस्म के उनको एक तकरीर करते सुना और उन्होंने कहा वी मस्ट डेवलप ग्रुप थिंक। मैं पागल पुत्र ग्रुप टैंक थिंक टैंक होता है, डेवलप करना है ग्रुप ग्रुप थिंकिंग नहीं करनी तूने, पागल नहीं बनाओ। तो मतलब हमारे यहाँ तो हमारे तो गुड गवर्नेंस का भी यही हाल है कि वो गुड गवर्नेंस पे लेक्चर देने के लिए पूरे पॉलिटिशियन की टीम है, डायलॉग बोल दें गुड गवर्नेंस और होनी चाहिए और करेंगे और बनेंगे, मतलब उनको मतलब किसी को गुड गवर्नेंस का अलिफ बे पे नहीं आती थी, स्पेलिंग तक नहीं आता कि गुड गवर्नेंस लिखते कैसे और इसका मकसद क्या होता है और ये होती कैसे, जबकि वो सबसे बड़ी हर्डल गुड गवर्नेंस में यही लोग होते हैं। अच्छा जी, अगर ग्रुप इससे भी बड़ा हो और हमें ज्यादा लोगों की राय या आवाम की राय या एम्प्लॉयज की राय भी बीच में शामिल करने की जरूरत पड़े तो हम फिर फैसिलिटेटेड वर्कशॉप कर लेते। फैसिलिटेटेड वर्कशॉप की हमें ऐसे तो कोई जरूरत नहीं पड़ी जितने भी मैंने काम किए हैं, लेकिन नॉर्मली होता यह है कि हम सारे एम्प्लॉयज को एक बड़े हॉल में बुला लेते हैं और उनको लाजमी होता है हर एक से क्वेश्चन तो किए नहीं जा सकते, तो हम उन्हें ये कहते हैं हम उन्हें एक प्रेजेंटेशन देते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि जी हमें ये काम मिला है और ये चीज है और ये दिस इज हाउ वी हैव थॉट टू कलेक्ट द डाटा और ये हमारी अप्रोच है। अगर तुम्हें हमारी अप्रोच से किसी चीज से कोई किसी को भी गिला शिकवा या कोई शक शिकायत है तो बता दो ताकि हम इम्प्रूव कर लें। और दूसरी बात ये कि हमें या मैंने रिक्वायरमेंट भी इकट्ठी कर ली है जो मोटी मोटी है, मैं वो उनके सामने फ्लैश कर देता हूँ कि ये कोई और चीज है तो बता दो। बताने के भी दो तीन तरीके हैं, जब जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना लोग अवॉइड करेंगे बोलने से, तो उसमें उनको एनकरेज करने के लिए हम वो और ग्रुप थिंग से बचने के लिए हम उन्हें कहते हैं कि जी अगर आप वहां ना खड़े होकर बोलना नहीं चाहते और पॉइंट नहीं देना चाहते तो आप लिख के दे दें या इधर ड्रॉप बॉक्स में डाल दें या हमसे अलहदगी में आके मिल लीजिए या हमें ईमेल वगैरह कर दें या फॉर्म बुलवा लेते हैं उनसे या कोई ऐसी चीज कर लेते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि डाटा वहीं पे ऑन द स्पॉट कलेक्ट करें। हाँ वो भी होता है, वो एक टूल है, यस वो एक टूल है, यस वो भी किया जाता है। तो मतलब वो दैट देयर आर मेनी टूल्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर एलिसिटेशन और इन सब कामों के लिए, तो इसको कहते हैं फैसिलिटेटेड वर्कशॉप। और ये जब हम सोल्यूशन बना लेते हैं तो फिर करते हैं एक दफा फिर कि अब ये ना ये सोल्यूशन है ये करने लगे हैं, कोई किसी की राय हो तो बता दो अभी बता दो। फिर है जी ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक्स। क्रिएटिविटी का तो अंदाजा है ही, मैंने पहले भी एडवर्टी बोनों का जिक्र किया और बातचीत हम कल भी थोड़ी बहुत कर रहे थे। तो ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक्स हैं कि जिसके अंदर हम ग्रुप को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने पे मजबूर करते हैं, मतलब उनको इंस्टिगेट करते हैं जरा थोड़ा खुल खुला के सोचना चाहिए और की हो सकता है और की हो सकता है इस तरह से। तो उसका मैंने शायद आपको एग्जाम्पल दी थी कि नहीं दी थी, मतलब अगर मैं इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली देखूं तो हम में से अक्सर लोग जो हैं वो काफी क्रिएटिव होते हैं,
मतलब इधर बैठे बैठे आप जहाज उड़ा रहे होंगे, घर जा रहे होंगे, अपनी तमाम जो जो दिल में खाए, बड़ी सिंपल एग्जाम्पल, नमाज में खड़े हो गए तो आपको दुनिया जहान के सारे फॉर्मूले याद आ जाते हैं। ये करना था, उसके पास जाना था, जब उससे मिलूंगा ना तो बच्चों को पूछूंगा जरूर ये बात, तो वो सब ख्याल आता था। इसी तरह जब जिस चीज में आपका थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा लूज हो रहा होता है, मतलब आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आप कहते हैं यार की बोली जा रहे हैं, मैं थोड़ा वो अपने दिमाग को फ्री छोड़ देते हैं, इधर उधर भटकता है, कभी कहीं चला गया, कभी कहीं चला गया, तो मतलब देखने में यही है कि वी आर नो टॉकिंग एंड लिसनिंग टू ईच अदर, बेसिकली दैट बंदा इज लॉस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स अभी, बट दिस इज नॉट बैड। ऑल्दो वो इमीडिएट एक्टिव लिसनिंग के हवाले से तो ये बात अच्छी नहीं है, लेकिन दिस इज नॉट बैड, बिकॉज आप जब इधर उधर भटक रहे हैं और फिर लपट लपट के वापस आते हैं लेक्चर की तरफ, तो यू आर ऑलवेज कमिंग बैक विद अ न्यू पर्सपेक्टिव। ठीक है ना, आप ना मार्केट में या कहीं खाना खा रहे थे, पीसी में खाना खा रहे थे, और बड़ा मजे का खाना आपके जेन से घूम रहा था और जायका घूम रहा था, और अचानक बीच में इधर कलेक्ट रिक्वायरमेंट आ गई, कलेक्ट रिक्वायरमेंट में खाना जायका, कलेक्ट रिक्वायरमेंट खाना जायका, वो मिक्स हो गया। Now this is the creativity which has got into you. और अगर अभी मैं ये पूछूं कि जनाब आपका क्या ख्याल है ग्रुप क्रिएटिविटी के जब फैसिलिटेटेड वर्कशॉप की तरफ, तो आप कहेंगे सर ये मतलब कोई कुकिंग लेसन होने चाहिए सर लोगों के, मतलब ठीक है ना, वो कहेंगे कुकिंग लेसन होने चाहिए। अब वो या कोई और बंदा बोलेगा सर इनका मतलब ये भी हो सकता है कि वी शुड कुक अप आवर प्लान्स और कुछ ऐसा हिसाब किताब करना चाहिए, तो इसे बात से बात निकलते किसी लॉजिकल उस पर पहुंच जाती है, तो इससे हमें कई नई नई चीजें निकालने का मौका मिलता है। ग्रुप क्रिएटिव टेक्निक में हम इंजेक्शन लगा दें तो हमें आप खुद भटक गए थे। ग्रुप क्रिएटिव टेक्निक में मिसाल के तौर पर आप आए हैं, आके बैठे हैं, और मैंने कहा यार क्या कर रहे थे आप, कहाँ गए थे, ये वो, तो कोई एक रैंडम वर्ड में पकड़ लूंगा, या मैंने कहूंगा कोई आपके जेहन में कोई ऑड सी चीज कोई आती है तो मुझे बताएं जरा, ये कहते हैं चीता, मैं जनाब उधर चीते की छोटी सी फोटो बना देता हूँ, एंड देन वी फॉरगेट अबाउट इट, अपना पढ़ना शुरू कर देते हैं। नाउ एवरीबॉडी यू नो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपकी नजर जाती है चीता बना, चीता पता नहीं क्यों बनाया था, बिला वजह चीता बना दिया, चीते से अब चीता चलना शुरू हो जाएगा, मैंने आपका ध्यान भटकाने के लिए वो चीता बनाया था, अब आप नाम सोचेंगे यार चीता बड़ा तेज भाग रहा है, अब मैं जो बातें कर रहा हूँ उसमें वो चीता तेज भाग रहा है, ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ कि अच्छा जी ये ऑब्जर्वेशन होने के साथ फास्ट ऑब्जर्वेशन होने के उससे लिंक करके टांग का इधर का उधर उधर से इधर, और एक यूनिक आइडिया, एक बिल्कुल ही क्रिएटिव आइडिया बीच में से निकल आता है। इनको जनाब उसकी धारियां याद आ रही हैं, इन्होंने धारियों से धारीदार फैसले होने चाहिए, दोनों एजेस देखने चाहिए, बैलेंस करके सोचना चाहिए, मेरा मतलब है कि दिस गिव्स अ न्यू डायमेंशन टू थिंकिंग। देयर इज अ ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक। ग्रुप डिसीजन मेकिंग में इस बात का ख्याल रखें कि हम लाजमी तौर पर जब बैठते हैं तो हम यही चाहते हैं कि बेहतरीन डिसीजन को रीच करें, और उसके लिए हम इकट्ठे मिलकर बैठते हैं। जरूरत क्या किस बात की होती है, हम क्या चाह रहे होते हैं, हम चाह रहे होते हैं कि बेहतरीन डिसीजन को रीच करें। अब जनाब हम तीन लोग बैठे हैं और हम तीनों का डिफरेंट आईक्यू लेवल है, अगर इंडिविजुअली फैसला करते, फर्ज करें आप जो फैसला करते, अगर मैं उसको ग्रेड करूं आपके इंडिविजुअल फैसले को, तो मे बी उसको मैं 180 पॉइंट्स देता हूं, इनके फैसले को मैं 150 पॉइंट देता हूं, और अपने फैसले को शायद मैं 120 पॉइंट देता हूं। लेकिन जब हम मिलके फैसला करें तो जिसके सबसे लो पॉइंट्स होते हैं वो दूसरों को ड्रैग डाउन करता है, नहीं मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, वो कहता अच्छा यार चुप कराओ यार, चलो यार चलो, तो यू विल क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज ऑन द लीस्ट द वर्स्ट सॉल्यूशन। यूजली अगर इसको प्रॉपर तरीके से हम ग्रुप डिसीजन मेकिंग की प्रॉपर टेक्निक से ना इस्तेमाल करें तो वी विल कॉम्प्रोमाइज ऑन द वर्स्ट सॉल्यूशन, एंड द आईक्यू ऑफ योर डिसीजन विल बी इक्वल टू द आईक्यू ऑफ द मोस्ट लोएस्ट आईक्यू पर्सन, वीगस्ट लिंक, या कुछ थोड़ा बेहतर भी हो सकता है, बट भाई जब सिनर्जी क्या कहती है, वो कहती है थ्री, वो तो कहता है 1+1=11, तो तीनों के आईक्यू को जमा भी कर लें तो उससे भी बड़ा बेहतरीन नसीब होना चाहिए, तीनों दिमाग मिल गए हैं तो अब आपका जो नेट सम है वो तो तीनों के आईक्यू से ज्यादा होना चाहिए, तो वो कैसे आएगा, तो उसके अंदर हमें कुछ ऐसे तरीकेकार इस्तेमाल करने पड़ेंगे कि ये जो पुलिंग डाउन वाले चक्कर हैं बाकी हिसाब किताब हैं वो ना हो सके, और बेस्ट आइडिया ऊपर उबल गया है।
जब ऑडियंस बहुत ही ज्यादा हो जाए कि मतलब आप उनको एड्रेस भी ना कर सकें, उनको एक हॉल में भी ना बिठा सकें, तो मैं स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लोग हों आपके डिफरेंट लोग, जैसे नादरा का अगर हम कोई सर्वे करना चाहें तो पूरे पाकिस्तान में बल्कि बाहर के मुल्कों में पहले पड़े हैं, तो उनके सारे एम्प्लॉयज को हमें क्वेश्चनेयर सर्वे भेजना पड़ेगा ताकि वो सब जवाब दें और उसकी रोशनी में हम करें। लेकिन ये तरीका है तो बहुत अच्छा, लेकिन इसको क्वांटिटेटिव तरीका कहते हैं, इसके अंदर क्वालिटी ऑफ आंसर्स कोई नहीं होती, इसमें बस वो वोट जैसे ना गिना जाता है, नंबर्स गिने जाते हैं, क्वालिटी नहीं देखी जाती। लेकिन एट द सेम टाइम दैट इज इक्वली गुड, बिकॉज वंस यू आर लुकिंग एट द क्वांटिटी और क्वांटिटी को फिर आप स्टैटिस्टिकली एनालाइज करते हैं तो यू कम अप विद फेयरली गुड रिजल्ट्स। ऑब्जर्वेशंस समटाइम्स विदाउट इवन आस्किंग क्वेश्चंस, मैं इंटरव्यू या मैं कोई डाटा कलेक्शन करने गया हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में और उस ऑर्गेनाइजेशन को फिजिकली ऑब्जर्व करने से मुझे 40 सवालों के जवाब तो वही मिल जाते हैं, हाउ डिसिप्लिन दे आर, हाउ क्लीन दे आर, और वगैरह वगैरह वगैरह, सो मेनी थिंग जो मैं चक्कर एक लगा लूँ तो मुझे सब पता चल जाता है कि ये कौन सी साइंस चल रही है। बिल्कुल। फिर प्रोटोटाइप्स हैं, जब अगला बंदा एक्सप्लेन कर रहा हो, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हो, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद जुबानी एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, समझाई नहीं जा सकती। दैट इज एग्जैक्टली वाई कि जब हम बातचीत कर रहे होते हैं तो हम ये हाथों पाओं की मूवमेंट और मुंह के एक्सप्रेशन और आवाज का ऊंचा नीचा करना, दिस ऑल इज अ ड्रामा टू सप्लीमेंट माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन टू यू, एम्फेसाइज माई पॉइंट ऑफ व्यू, कौन से वर्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर लिखा हुआ होता तो सारे वर्ड एक ही साइज के लिखे हुए होते, तो आपको ना पता था कि एम्फेसाइज किस पे करना है, ज्यादा से ज्यादा बोल्ड कर देते आप किसी चीज को, ऐसे ही कर सकते थे ना। तो यहाँ हम फिजिकली जब बात कर रहे हैं तो हम एक्चुअली हम बोल्ड कर रहे हैं चीजों को, और हम सिर्फ बोल्ड नहीं कर रहे, मैंने लॉजिकली बिल्ड कर रहे हैं, और कहीं आवाज ऊंची होगी, कहीं कुछ हो गया, कहीं एक्शन पूरा शुरू हो रहा है, वो आप अमरीकियों के पास चले जाए तो वो हरकतें करते हैं कि बंदा मतलब दैट इज वेरी गुड ऑल्सो, वो जनाब वो पूरा ड्रामा ही करना शुरू कर देते हैं, उठ के टेबल पे खड़ा हो जाएगा, नाचना शुरू कर देगा, जो चीज बात करे वो बन के दिखाएगा। और मुझे याद आता है कि टोस्ट मास्टर क्लब में एक दिन वो उसमें होती है स्पीचेस होती है मुख्तलिफ किस्म की, तो एक बंदे ने उसको हमने कहा कि सभी तेरी स्पीच है, उसमें स्पीच के लिए बुलाया, उसमें प्रॉप्स इस्तेमाल करने होते हैं, कोई चीज उठा लें आपके तो पेन के साथ आप ऐसे कुछ करके दिखाएंगे, या कोई प्रोटोटाइप है, कुछ चार्ट, कोई और चीज, कुछ चीज, यू हैव टू यूज सम काइंड ऑफ प्रोटोटाइप टू एक्सप्रेस यूर सेल्फ एंड टू मेक योर मैसेज मोर क्लियर। यार उस बंदे ने बड़ी मजा, उसने कहा जी, एक बड़ा अजीब सा उसने टॉपिक उठाया, उसने कहा जी कि मैं पता नहीं कहाँ गया, मैं पहले कभी ये जो इंग्लिश टाइप का कमोड होता है इसमें नहीं बैठा था, तो उसके ऊपर जनाब मेरा एक्सपीरियंस रहा, उसने बकायदा वहां एक कुर्सी टाइप चीज रखी, उसने कहा जी ये इस तरह कमोड पड़ा था, मैंने ऐसे पेंट खोली, मैं ऐसे करके बैठा, फिर ये हुआ, ऐसे गिर जाऊँ, कभी मैं पाँव ऊपर रखूँ, कभी कुछ करूँ, और बड़े पूरा ड्रामे कर करके उसने दिखाया, एंड नाउ वो लोग हंस हंस के लोट पोट हो रहे हैं, और बात यह है कि ये दिस मैसेज गोज अलॉन्ग वे, जो आप करके दिखाते हैं, जो प्रोटोटाइपिंग करते हैं, दैट मैसेज गोज अलॉन्ग वे, सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद जनाब आपकी बेंचमार्किंग आ जाती है, बेंचमार्किंग क्या, तो बड़ा ही घर किया हुआ है, जिससे पूछो वो कहता है जी ये कोई पता नहीं बेंचमार्किंग जो होती है, ये कुछ स्टैंडर्ड होता है, कोई और चीज होती है। प्रकल मैं आपको भी दो एक बार इनोग्रेट कर सकूं कि भाई बेंचमार्किंग कुछ स्टैंडर्ड नहीं होता, दिस बेंचमार्किंग का मतलब है यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ अगेंस्ट योर कंपटीटर बस खलास, एंड यू आर ट्राइंग टू असेस वेयर यू स्टैंड इन कंपैरिजन योर कंपटीटर्स, हाउ फार बिहाइंड यू आर, एंड हाउ डू यू इंटेंड कैचिंग अप विद देम और बीटिंग देम अप। ये बेंचमार्क आप रखते हैं कि जी फलाने को मैंने बीट करना है, तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इंटरनेशनल ISO ने स्टैंडर्ड बनाया कि जी ये है आपका बेंचमार्क, आपने ये अचीव करना है, वो होते कौन है मुझे मेरा बेंचमार्क देने वाले, मैं रोज बेंचमार्क चेंज करूंगा, पहले मैं आपको बीट करूंगा, जब आपको मैं पीछे छोड़ दूंगा मैं इनको बीट करूंगा, मैं अपने बेंचमार्क खुद रखूंगा। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम होते हैं आप लोग IT में बनाते होंगे, और मेरी प्रोडक्ट भी मैं जो बना रहा हूँ उसको भी मैं उससे कंपेयर करता हूँ, हाँ जी फीचर्स आप रखें ना, फीचर्स रखें, हाँ देखिए पहले हम ये करते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने ये मोबाइल मेरे कंपनी ने बनाया, मेरे ने मैंने कहा जी ये है, मैंने अपने कस्टमर्स को रीच किया, उनसे कहा जी कि आपकी राय हो, क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए,
तो मुझे जनाब उनकी तरफ से कुछ आरा आ गई, उनमें से वही प्रायोरिटाइजेशन करके चुन ली कि कौन सी मेजर से के मेजर फाइव आइटम्स मैंने चुन लिए जो हाईएस्ट लोगों की ख्वाहिशात थी। ओके, एक बंदा कहता है कि जी इसकी जरा आवाज की क्वालिटी अच्छी है वो होनी चाहिए, एक कहता है जी इसके नंबर बड़े बड़े होने चाहिए, एक कुछ और, चार पांच। सर दुरूद शरीफ पढ़ा करें आवाज आ जाएगी। सर बाज़ औक़ात ये होता है कि आप टोटली एक ऐसी चीज या ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं कि जिसका कोई कंपेटिटर इस वक्त मौजूद ही नहीं है मार्केट में, तो वो फिर बेंचमार्क में अपने ही उस किसी क्राइटेरिया को बेंचमार्क रखूंगा फिर, या उसमें बेंचमार्किंग कंसिडर ही नहीं होगी फिर। आप जो चीज बनाना चाह रहे हैं जो किसी ने नहीं बनाई, वो जिस कैटेगरी में आती है उस कैटेगरी के दूसरे आइटम्स के साथ आप उसे बेंचमार्क कर सकते। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि टोटली एक ऐसी चीज लेके जा रहा हूँ जिसका कि कोई पहले से कुछ मौजूद ही नहीं है कुछ। लेकिन मैं मिसाल के तौर पे चांद गाड़ी बनानी है, आपने क्या चीज बनाने जा रहे हैं? कोई तो रिलेशन बनेगा ना किसी और के साथ। आप ये देखें बाकी आपके कंपटीटर्स में क्या स्टेटस चल रहे हैं, हो सकता है यू आर एट द टॉप ऑफ इट। आप इस बेंचमार्किंग में अपने कंपटीटर्स में सबसे आगे भी हो सकते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ठीक है ठीक है, लेकिन कुछ तो होगा ना। हाँ, फिर वो रेलेवेंस कहीं तो कहीं निकालनी पड़ेगी उसकी। अच्छा हमाद, आप दोबारा लॉग इन हुए हैं, आपका कुछ आवाज आनी शुरू हो गई? जी सर, अभी आनी शुरू हो गई लेकिन वो बेंचमार्किंग मिस हो गई बस। सर बेंचमार्किंग में ये कह रहा था कि बेंचमार्किंग का आम ख्याल लोगों का ये है कि बेंचमार्किंग शायद कोई स्टैंडर्ड होता है कि वो ये स्टैंडर्ड लगाई गया इसको रीच करना है। बात ये बिल्कुल, मैं बिल्कुल गलत भी नहीं कहूंगा, लेकिन दिस इज नॉट द राइट कॉन्सेप्ट। बेसिकली बेंचमार्किंग का मतलब ये होता है कि कंपेयरिंग योर सेल्फ विद योर कंपटीटर्स एंड डिटरमिनिंग हाउ फार बिहाइंड यू आर फ्रॉम the one you want to be and you establish that, और उसको आप बना लेते हैं कि ये मेरा बेंचमार्क है, इसको मैंने बीट करना है। आप उसको बीट करते हैं, उसको अचीव करते हैं, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट टारगेट चुन लेते हैं। इस तरह आप अपने खूब से खूबतर होते जाते हैं। राइट सर, थैंक यू। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम्स हैं ये, आईटी में नॉर्मली आप इस्तेमाल करते हैं, कौन सी चीज किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किस कॉन्टेक्स्ट में जा रही है, इसको मैं नहीं डिस्कस करूंगा। डॉक्यूमेंट एनालिसिस है, आप बहुत सी चीजें जो है उस ऑर्गेनाइजेशन की डॉक्यूमेंटेशन उठा के पढ़ेंगे तो उससे ही आपको काफी सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो जनाब ये रिक्वायरमेंट उठाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बस यही तरीके हैं, लेकिन काफी कॉम्प्रिहेंसिव काफी सारी चीजें हमने इधर डिस्कस कर ली और उसकी वजह से हम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट फॉर्म करने के काबिल हो जाते हैं। अब ये जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाए हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन जो है आपके तमाम अगले आने वाले प्रोसेस को, मतलब डिफाइन स्कोप को, क्रिएट WBS को, और इवन जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल भी हो रही है, तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट वहां भी चाहिए क्योंकि उसके हिसाब से उसे चेक करने। लेकिन जो ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स आपने बनाया था वो सिर्फ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में ट्रेस करने की जरूरत पड़ेगी, देयरफॉर वो हम वैलिडेट स्कोप को भेज रहे हैं और कंट्रोल स्कोप को भेज रहे हैं, इसके अलावा और किसी को नहीं भेज रहे। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो है उनमें हम क्वालिटी को भेज रहे हैं और प्रोक्योरमेंट को भेज रहे हैं। ये जनाब उन्हीं चीजों की एक्सप्लेनेशन है। ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक्स में उसने बहुत सी टेक्निक दी हुई है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। ब्रेनस्टॉर्मिंग में पहले भी बात कर चुका हूं कि आप सर जोड़ के बैठते हैं और क्रिएटिव आइडियाज, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है क्रिएटिव आइडियाज। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब नहीं है सर रगड़े एक दूसरे के साथ बैठ के और वही जो रोज घोलते हैं वही घोलना शुरू कर दें। You must come up with, मतलब you must encourage creative ideas. इसमें creativity में, brainstorming में आपकी मजाल ही नहीं होनी चाहिए कि किसी को snub करें और किसी को point of view ना देने दें। No matter के कितना point क्यों ना हो, मगर उसको note करें। जी ना। सर रगड़ने से जुए पड़ जाएंगी सर। हाँ वही ना, सर नहीं जोड़ने, सर नहीं जोड़ने। और वैसे आप ऐसे दोस्ती क्यों बनाते हैं जिनके सर में जुए हैं?
उसके बाद आप नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है। ये नॉमिनल ग्रुप का मतलब ये है कि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग ही को एनहांस करने में जो आप बात कर रहे थे ना, किसने बात की थी वो ग्रुप्स बना देते हैं और वो सब आपने कहा था। ओके, विद अ वोटिंग प्रोसेस यूज टू रैंक द मोस्ट यूजफुल आइडियाज फॉर फर्दर ब्रेनस्टॉर्मिंग आर फॉर प्रायोरिटाइजेशन। तो आप क्या करते हैं, मीटिंग हो रही है, फैसिलिटेशन एक्सरसाइज हो रही है, आपने लोगों को ब्रेकआउट कर दिया छोटे ग्रुप में। और मैंने ऐसा भी सेशन अटेंड किया हुआ है जहां 200 बंदा था, उन्होंने 200 उन्होंने पता क्या तरीका किया, बड़े मजेदार तरीके होते हैं, सिर्फ खोपड़ी इस्तेमाल करने की बात है। उसने लिखा, बड़ा सारा हॉल था, बड़ा सारा, उसकी दीवारों पे उसने कागज के इस तरह इतने इतने बड़े चार्ट लगा दिए, ब्लैंक चार्ट, उनके साथ उन्हें पेन टांग दिए। उसने कहा जी जितने, अच्छा उसके ऊपर एक टॉपिक लिख दिया, उसने कहा जी आप जाएं ऑल अराउंड द रूम, सिलेक्ट द टॉपिक यू लाइक और उसके पास खड़े हो जाए जाके। थोड़ी देर में वो ग्रुप बन गए सारे, मतलब एजिलिटी वाला ग्रुप आगे खड़ा हो गया, उधर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का ग्रुप उधर खड़ा हो गया, उसका उधर खड़ा हो गया। उन्होंने कहा आप लोग आपस में डिस्कस करें और जो की पॉइंट्स हैं नोट करें, बल खत्म। अब ये सारे की पॉइंट्स उठा के आपने आखिर में फैसिलिटेटर को देने थे और उसके साथ उसको आपने बताना था कि ये डिस्क्राइब करना था ये क्या है, एंड उसने फिर सारी चीजों को सम अप करके और अल्टीमेटली उसने कहा ये पॉइंट सिलेक्ट हो गए, कहानी खत्म। सो सिंपल, तो नॉमिनल ग्रुप्स आप बना लेते हैं और वो लोग आपको फिर अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। आइडिया और माइंड मैपिंग के बारे में कोई आइडिया है कि पहले क्या चीज होती है माइंड मैपिंग? क्या नाम है बंदे का, दिमाग ही मेरा खराब है यार, मुझे चीजें याद ही नहीं रहती हैं। क्या नाम है उस बंदे का, बहुत मशहूर नाम है जी, ये माइंड मैपिंग उस बंदे ने याद की, पीटर समथिंग उसका नाम है। और माइंड मैपिंग का आइडिया उसने ये दिया, उसने कहा जी कोई भी चीज है, हम नोट्स लेते ना, बैठे हैं आप क्लास में नोट्स ले रहे हैं, आपने कभी लोगों को देखा होगा कि वो शक्लें बना रहे होते हैं, नोट्स नहीं ले रहे होते, मगर वो नोट्स शक्लों की सूरत में बना रहे होते हैं। ये आपने कहा ये बंदा इसको ये कहेगा, उसने एक बंदा इधर बनाया, ये इसको ये कह रहा है, ठीक है, इस तरह करके ड्रामा तस्वीरों के अंदर ही पूरा लेक्चर वो नोट करते चले जाते हैं, और ये बड़ा आर्टिस्टिक किस्म का ये वो सिलसिला है। उसने कहा जी बात यह है कि जब भी किसी चीज को इस तरह से कैप्चर करना हो, या एक मीटिंग में आप जा रहे हैं, आप क्या करें कि मीटिंग का कोर आइडिया एक बड़ा कागज सामने रख लें, जो कोर आइडिया कागज के एंड सेंटर में लिख के उसके ऊपर एक दायरा बना, उसके से के मीटिंग एजेंडा में उस कोर मीटिंग टाइटल के ऊपर 5 एजेंडा पॉइंट्स हैं, आप इससे 5 एरो बाहर निकालें और उसके आगे 5 दायरे लगा दें, उनमें वो एजेंडा पॉइंट्स लिख दें। जब मीटिंग होगी तो हर एजेंडे पॉइंट में जो जो बातें डिस्कस होंगी, से एक एजेंडे पॉइंट में 10 बातें डिस्कस हुई हैं, इधर से 10 लाइनें निकालें, वो 10 पॉइंट लिख दें, उस डिस्कशन में जो जो पॉइंट उसके डिस्कशन में आए हैं वो उसके आगे लिख दें। इस तरह आपका पूरा मिनट ऑफ मीटिंग एक ही चार्ट के ऊपर कैप्चर हो जाएगा। ट्रेसिबिलिटी भी है, कौन किधर से, वो नाम भी लिख सकते हैं, किसने कहा, ये किसने कहा, ये किसने कहा, पूरी की पूरी चीज आपने कैप्चर कर ली। इसके अब तो सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, मोबाइल पे भी अवेलेबल है, आप माइंड मैपिंग के नाम से ढूंढे जरा, फ्री बड़े सॉफ्टवेयर पड़े हैं, आप इसके ऊपर ही बैठ कर टुक टुक कर सकते हैं, लेकिन वो छोटी सी स्क्रीन होती है, मजा नहीं आता, लेकिन जब उसी के ऊपर ही आप बना बना के टुक 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 सारा हिसाब किताब बना सकते। अच्छा ये आपने कर लिया, अच्छा फिर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ ओपन हो जाते हैं। अब आपने कहा किसी कि आपने प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट का WBS पूरा बना लिया आपने, इस तरह से प्रोजेक्ट फेजेस और ये और वो करके, उसके बाद आपने उसे कहा कि ये जरा मेरे MS प्रोजेक्ट में डाल दो, वो एक्टिविटीज की सुनर का रनिंग करके सारा कुछ वहां पहुंच जाएगा। आप कहते हैं कि जी मैं किताब लिख रहे हैं, लोग बुक लिख रहा है बंदा इस माइंड मैपिंग के ऊपर, बुक का नाम, नंबर ऑफ चैप्टर्स, चैप्टर के अंदर मैंने ये टॉपिक डिस्कस करने हैं, उसके अंदर ये पैराग्राफ डिस्कस करने हैं, फिर वो पैरा लिखना शुरू करता है, वो उधर ही लिखता जाता है टक 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 टक, और बाद में उसे कहते हैं MS वर्ड में ट्रांसलेट, पूरी किताब की शेप में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज बीइंग यूज्ड बाय मेनी प्रोफेशनल्स राइट नाउ, एंड दिस इज अ वेरी यू नो क्रिएटिव काइंड ऑफ आइडिया। और इसमें वो जो आप डब्बे शब्बे बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, उसमें वो थोड़ी आर्टिस्ट्री भी लोग कर लेते हैं बीच में। Affinity diagram is a technique that allows large number of ideas to be classified into groups for review and analysis. आप affinity create कर लेते हैं कि ये चीज जो है ये इस category में आती है, ये इस category में आती है, फिर उनके relationship वगैरह देख लेते हैं।
मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग डिसीजन एनालिसिस जो है इसका मतलब है वो जिसको वेटेड एवरेजेस कहते हैं, आप उसको स्कोरिंग रैंकिंग करते हैं ना आप कि जी ये कौन कौन सी चीजें देखनी है, आपने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कर रहे हैं, आपने उसके इंटेलिजेंस कितने नंबर फलानी चीज कितने फलाने उनमें से कितने लिए, तो वो स्कोरिंग और रैंकिंग करके आप कहते हैं जी ये प्रोडक्ट टॉप पे ये बंदा आ गया, तो आप डिसीजन लेते वक्त आप मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस कर लेते हैं। फिर ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स के जो टूल्स हैं, अनएनिमिटी का क्या मतलब है कि यूनैनिमस डिसीजन देते हैं, आप कहते हैं कि जी बैठे रहो उस वक्त तक तुम लोग जब तक सब लोग एक ही आइडिया पे एग्री नहीं हो जाते हैं। ये वो तरीका है जो ज्यूरीज में इस्तेमाल होता है, ज्यूरी बैठती है ना तो ज्यूरी को कहते हैं कि जैसे केस सुन लिया ना अब इस कमरे में चले जाओ बाहर से लगाते हैं ताला, उन्हें कहते हैं तब तक तुम बाहर नहीं निकल सकते जब तक एक फैसले को रीच नहीं करोगे। अब वो लोग आप अंदर जाके वोटिंग करते हैं, तीन हाथ एक तरफ खड़े हो गए, दो एक तरफ खड़े हो गए, उन्हें कहा नहीं कन्वेंस करो एक जब तक एक ही राय लेके बाहर नहीं निकलोगे। ऐसा हो सकता है कि वो लोग आखिर तक एक आदमी अड़ा रहे तो वो फिर वो डिसीजन नोट ऑफ डिसेंट सबमिट कर दे, जैसे इसने नोट ऑफ डिसेंट किया था ना ये जो सुप्रीम कोर्ट में पनामा वाले में एक जज ने नोट ऑफ डिसेंट दिया था कि मैं इन दोनों से एग्री नहीं करता, तीन थे ना, तीन थे कि पांच थे, पांच थे, एक ने नोट ऑफ डिसेंट दिया था उसने कहा जी मैं चार से नहीं करता, इसका मतलब फैसला लटक गया, अगर वो सारे एक बात पे एग्री होते तो वही फैसला हो जाता, तो नोट ऑफ डिसेंट का मतलब है कि यूनानिमस डिसीजन नहीं हो सका। मेजोरिटी का मतलब है कि ज्यादा लोग तीन पांच में से तीन की जो राय है वही फैसला माना जाएगा। प्लुरैलिटी का मतलब है कि अगर से कि लोगों के ग्रुप बन गए दो एक तरफ है, दो एक तरफ है, एक एक तरफ है, इस तरह तो जो ग्रुप सबसे बड़ा होगा उसकी बात मानी जाएगी। और डिक्टेटरशिप है मैं जनाब चीफ जस्टिस हूं मैं सबसे बड़ा हूं तो तुम लोग जो अपने पॉइंट्स मुझे बता दो लेकिन फैसला मैं नहीं देना। तो ये ग्रुप डिसीजन मेकिंग की मुख्य टेक्निक्स हैं, क्वेश्चनियर, सर्वेज, ऑब्जर्वेशंस वगैरह वगैरह वगैरह। ये रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स का एक फॉर्मेट सा है, मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, इट इज नॉट एग्जैक्टली ऐसे ही होता है लेकिन इट इज अ गुड एग्जांपल जिसके अंदर उसने बकायदा कहा है जी प्रोजेक्ट का नाम, कॉस्ट सेंटर, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, नीचे फिर एक टेबल दिया हुआ है, टेबल में वो कहता है कि इसकी कोई आईडी नंबर, एसोसिएटिव आईडी, रिक्वायरमेंट क्या थी, ये जो आईडी है ना एसोसिएटिव आईडी ये उस रिक्वायरमेंट का नंबर है, फिर रिक्वायरमेंट की डिस्क्रिप्शन क्या है, कौन सी बिजनेस नीड अपॉर्चुनिटी गोल्स ऑब्जेक्टिव को, एक उसकी होगी ना काम की आईडी होगी ना, मेन आईडी वो है जो सब आईडी वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या, तो के जी कौन सी बिजनेस नीड अपॉर्चुनिटी गोल्स ऑब्जेक्टिव के अलाइनमेंट में है, उसके बाद प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव कौन सा पूरा कर रहा है, डब्ल्यूबीएस के कौन से डिलीवरी को इंपैक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट डिजाइन इसमें क्या है, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, टेस्ट केसेस इसके बनाए हैं नहीं बनाए और कौन कौन से हैं। तो अब अगर मैं इसको ट्रेस करना चाहूंगा ये रिक्वायरमेंट रही नहीं रही तो मुझे कौन कौन सी चीजों को देखना पड़ेगा, डाल सकते हैं हो सकता है, मेरा मतलब ये तो एग्जांपल है ना, चंद हेडिंग उसने दी है और बहुत सी चीजें इसमें डाली जा सकती हैं। फिर डिफाइन स्कोप है जहां पे हम असेंबली स्कोप स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें मैंने जैसे आपको बताया था ये बात हम के नाम याद देखें, स्कोप मैनेजमेंट प्लान है, चार्टर है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, आप एक्सपर्ट जजमेंट इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट एनालिसिस करते हैं किस लिए वाला ताकि प्रोडक्ट स्कोप एस्टेब्लिश हो सके, फिर अल्टरनेटिव जनरेट करते हैं किस लिए ताकि हम अल्टरनेटिव सिलेक्ट करें और फिर उस अल्टरनेटिव की हम प्रोजेक्ट स्कोप निकालें और ये वो जो मैंने आपको हेडिंग वेडिंग बताई थी उनके तहत आप अल्टीमेटली स्कोप स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर इसको हम फैसिलिटेटेड वर्कशॉप भी कर सकते हैं, बिफोर वी कैन फॉर्मलाइज द स्कोप स्टेटमेंट वी कैन प्रेजेंट इट टू ऑल, एक बड़े ऑडियंस में प्रेजेंट करके उनकी आखिरी राय भी ले सकते, ये एक्चुअल स्कोप है, तो ये फैसिलिटेटेड वर्कशॉप हो जाए तो अच्छी बात है और ये जनाब आपका स्कोप स्टेटमेंट भी बन गया। ये ठीक है टेबल 5.1, मैं इसे थोड़ा सा इख्तलाफ इसलिए करता हूं कि इस डायग्राम को देख के लगता ऐसे है कि चार्टर शायद कोई बड़ी चीज है और प्रोजेक्ट स्कोप छोटी चीज है, नंबर ऑफ हेडिंग जो इसके अंदर लिखी हुई है वो इस तरह से लिखी हुई है, लेकिन दरअसल बात यह है कि चार्टर के अंदर सारी हाई लेवल एलिमेंट्स है, मोटे मोटे एलिमेंट्स है, तो आगे जाके सब कुछ करना है लेकिन हाँ बिल्कुल,
चार्टर जो है उसके अंदर ये जितनी भी कहानियां इसमें लिखी हुई हैं, ये एक एक दो दो लाइन की बातें हैं सारी, जबकि जो स्कोप है उसके अंदर ये जो जितनी चीजें नजर आ रही हैं, दे आर नो काफी डिटेल्ड हैं और वो काफी डिटेल्ड हैं। और दूसरी बात है कि मैं अब उसने फिक्रे लंबे लंबे लिखे हुए चार्टर के अंदर, हाई लेवल रिक्वायरमेंट, तो हाई लेवल प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, फिर ये प्रोजेक्ट अप्रूवल का पूरा ही तीन लाइनों का फिक्रा लिखा हुआ है, तो नंबर काउंट शायद इसके बराबर या उससे थोड़ा ही ज्यादा होगा, लेकिन ये कि एम ही बिला वजह उसने ये डायग्राम अच्छा चाहिए बिल्कुल। फिर आए थे WBS, ब्रेक करना थोड़ी सी चाय भी लेना, ब्रेक टाइम माइक। थैंक यू तारिक, टोनी ब्यूजन है, बिल्कुल सही आपने पकड़ लिया, टोनी ब्यूजन इज इन्वेंटर ऑफ दिस माइंड मैपिंग थिंग, बाकी जितने भी है ना वो इसके शगीर में। गूगल जिंदाबाद सर। हाँ जी गूगल, आप गूगल के मास्टर हैं भाई। सर 10 मिनट्स का ब्रेक, 5 मिनट काफी है, 5 मिनट चलें, डन हो गए सर। Thank you.
क्या आप सबने चाय अपने सामने रख ली है? सर पीनी भी शुरू कर दी है। वाह जी वाह, हमें खुद बनानी पड़ती है ना, इसलिए हमारा टाइम ज्यादा लगा है। अच्छा जी, क्रिएट WBA शुरू करें फिर? श्योर सर। तारिक आप भी हैं इधर? जी सर। ओके जबरदस्त, राइट जी। तो ओके, WBS जो है, क्रिएट WBS, ये जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं, उसको हम OBS भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इसी तरह काम का भी ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है ये ऐसा है कि आप प्रोजेक्ट ऊपर से, जैसे ऑर्गेनाइजेशन CEO से शुरू होती है, फिर उसके नीचे 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 आप खोलते जाते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट से शुरू करें और नीचे की तरफ खोलते चले जाएं, और आपने इसको उस वक्त तक खोलना है या उस हद तक खोलना है जहां पर वाजे तौर पे वर्क पैकेजेस नजर आने शुरू हो जाए। जहां वो जो आपको बताया था ना कि मैंने, कि एक चीज को इतने टुकड़ों में तोड़ो कि हर टुकड़े को रिजॉल्व करना आसान हो जाए। पूरा प्रॉब्लम एक दफा एक हल्ले में हल नहीं हो सकता, आप उसके टुकड़े टुकड़े कर लें और इतने छोटे टुकड़े कर लें कि जो सॉल्व किए जा सकते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के हिसाब से वर्क पैकेजेस, मतलब बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग में दीवार बनाना एक वर्क पैकेज है। अब दीवार बनाने में बहुत से काम होंगे लेकिन वो उसके लेवल के काम नहीं है। उसको जो प्रोग्रेस चाहिए वो दीवार की चाहिए, वो फर्श की चाहिए, वो छत की चाहिए, उसको दीवार के अंदर ईंट की प्रोग्रेस शायद नहीं चाहिए। तो जिस लेवल, जो कंट्रोल करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर को जिस लेवल तक जाने की जरूरत है उस लेवल तक वो तोड़ता है और उसको कहते हैं वर्क पैकेज आखिरी लेवल को। तो आप प्रोजेक्ट को खोल खोल के तोड़ तोड़ के उस लेवल तक ले जाए। एक मिनट ये मेरी, ओके मैं पहले इसकी जो प्रोसेस है उसको डिफाइन कर लूं। जो उसके ITTOs हैं, इनपुट में स्कोप मैनेजमेंट प्लान है, स्कोप स्टेटमेंट है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है और एंटरप्राइज राउंड फैक्टर प्रोसेस एसेट्स। यहां जो मुझे एक सबसे बड़ा टूल रिक्वायर्ड है वो है डीकम्पोजिशन। मुझे चीजों को तोड़ने फोड़ने खोलने और उसका तरीकाकार आता हो या मेरी सेंस काम करती हो, इसके लिए थोड़ा IQ चाहिए होता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको कोई भी खिलौना पकड़ा दो वो 5 मिनट नहीं रहते, उसके टोटे टोटे करके रख देते हैं, उसका एक एक पुर्जा अलग-अलग करके देखते हैं। दे आर वेरी इंक्विजिटिव अबाउट इट। तो भाई ये गाड़ी चल रही है तो चल क्यों रही है, इसमें कौन सा जिन बैठा हुआ है जो उस गाड़ी को चलाता है, तो वो उसके फीदी फीदी करके रख देते। दिस इज द आर्ट ऑफ डीकम्पोजिशन, बट इट डज नॉट एंड जस्ट बाय ब्रेकिंग थिंग्स ओपन, यू शुड बी एबल टू कंपाइल इट बैक। क्योंकि खैर बच्चे तो बेसिकली एक्सप्लोर करने के लिए चीजों को खोलते हैं, तो जब उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है, हाँ मैं समझ गया कि गेम की है, तो उसके बाद उसका इंटरेस्ट उसे खत्म हो जाता है, करे मारो टैंको करे। लेकिन आप ऐसे अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस उम्र में भी डीकम्पोजिशन का बड़ा अच्छा स्किल होता है। टीवी खराब हो गया वो पेज निकालेंगे, खोल खोल के बैठ जाएंगे, वो अलग बात है कि वो पूरा मन ना हो सके बाद में, फिट ना हो चीजें। हाँ जी, वो बाहर मेहनत ही लगाई है, जरूरत कहाँ है इसकी, तो वो वाला सीन भी होता है। लेकिन ये है कि बेहतरीन चीज यही है कि ये हर किसी का काम नहीं है। आपने देखा होगा अक्सर बच्चे, शरीफ बच्चे होते हैं वो खिलौने से खेलते हैं, अक्सर लोग जो होते हैं वो अच्छे बच्चे होते हैं वो काम से काम रखते हैं, वो कहते हैं टीवी खोलना मेरा काम नहीं है भाई, जिसका काम है वो करे। बट बात सिर्फ यही है कि ये वो झिझक है जो जो डीकम्पोजिशन वही कर सकता है जो इंक्विजिटिव माइंड का बंदा है और तोड़ फोड़ में रखता है। तो हर किसी के बस का रोग नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर या उसके टीम मेंबर जो इस काम इन्वॉल्व हों उन्हें ये जामा पहनना पड़ेगा, उन्हें डीकम्पोज करना पड़ेगा। जो बंदा ज्यादा गहराई में नहीं सोच सकता, ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता, वो कहता है यार की होएगा यार, प्रोजेक्ट में 4 फेजे बनाओ परे करो, उन फेजेस के अंदर क्या होगा, यार इतना दबाव ना खाओ मेरा, इतना नहीं है मेरे पास,
तो बुनियादी तौर पे ये चंद लोग ही हैं जो उसकी गहराई तक जाके आपको वर्क पैकेजेस तक छोड़ के आ सकते हैं, और फिर से आगे भी हम आगे एक्टिविटीज भी बनाएंगे बाद में, तो वो डिकम्पोजिशन का स्किल आम लोगों के पास नहीं होता। एक्सपर्ट जजमेंट भी इस्तेमाल होगी, नतीजे में हम 100 WBS बना लेंगे, एक WBS की डिक्शनरी बन जाएगी। WBS वो ट्री सा बन जाता है जो शो करता है सारा, और जो उसका लोएस्ट लेवल वर्क पैकेज है उनकी अगर हम एक लिस्ट बना लें कि क्या क्या वर्क पैकेजेस हैं और उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिख लें, तो इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं WBS डिक्शनरी। आखिरी वर्क पैकेज है ना हमारा, WBS का सबसे लोएस्ट लेवल वर्क पैकेज कंसिडर किया जाता है, लेकिन वर्क पैकेज को आगे हम मजीद भी खोलेंगे एक्टिविटीज बनाने के लिए। ये वो इंटरेस्ट लेवल था जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर इस लेवल तक चीजों को देखना चाहता था, उस वक्त खोल दिया। अब बाद में आगे जब हम एक्टिविटीज की तरफ जाएंगे तो बताऊंगा मैं। तो लेकिन यह है कि ये WBS बन गया, WBS डिक्शनरी बन गई। अब यहां पे मैं बेस लाइन कर देता हूं। जो स्कोप बेस लाइन है उसके अंदर तीन चीजें आती हैं, दो तो यही चीजें हैं WBS, WBS डिक्शनरी और एक स्कोप स्टेटमेंट। स्कोप स्टेटमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्कोप बेस लाइन, और इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट करने हो तो वो आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट जनाब, टू डिफाइन प्रोजेक्ट स्कोप ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ डिलीवरेबल्स एंड टू फर्दर डीकंपोज दिस डिलीवरेबल इनटू कंपोनेंट्स ऑफ वर्क, तोड़ना है। कौन सा? नहीं नहीं नहीं, वो कोई और वजह है। ये जब ये फोर्थ से फिफ्थ एडिशन में आए थे तो ये चेंजेस थी जो इंट्रोड्यूस की गई थी, तो ये उस हिसाब से बना हुआ है। अभी तो फिफ्थ टू सिक्स बनाना पड़ेगा। टू प्रोवाइड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान टीम अ फ्रेमवर्क टू ऑन विच बेस प्रोजेक्ट स्टेटस एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट, मतलब वो अब प्लान बनाने में आसानी होगी और उन चीजों को मैनेज इवन डिजाइन करने में, उनको एस्टिमेट करने में पॉसिबल हो सकेगा जब WBS एग्जिस्ट करता होगा। कम्युनिकेशन बेहतर की जा सकती है, और दिस इज ऑल्सो अ की इनपुट टू अदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस एंड डिलीवरीज। जो मजीद काम हमने आगे करना है उसमें WBS वगैरह बार बार इनपुट के तौर पे इस्तेमाल होगा। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जी, एक होता है कोड ऑफ अकाउंट, इस्तेमाल करते हैं जब हम WBS बनाते हैं तो एक हायरार्की सी बन जाती है। अगर इस हायरार्की को हम कोई नंबरिंग स्कीम दे दें, टॉप लेवल को मैं कहता हूँ जी 1 नंबर दे दो, उससे नीचे के लेवल को 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 कर दें, तो मतलब उससे निचले को 1.1.1 और इस तरह से नंबर कर दें, तो ये कोई नंबरिंग स्कीम कोई भी रखें, आप ऐसी रखें जैसी भी रखें, कोई भी नंबरिंग स्कीम रखें, ये आपका कहलाता है कोड ऑफ अकाउंट। वो इसलिए कि जो अकाउंटिंग करने वाले लोग हैं वो जब किसी चीज को रेफर करेंगे तो उनको इस बात से मतलब नहीं है कि ये क्या इतना लंबा नाम है, ये चीज क्या है, क्या करती है, उनको नंबर से मतलब है कि जी 1.1.4 जैसे इसमें भी रेफरेंस हुआ। एग्जैक्टली, तो कोड ऑफ अकाउंट उस नंबर को कहते हैं जो आपने रखा। वर्क पैकेज वो लोएस्ट लेवल है उसको कहते हैं, जो आपके WBS का लोएस्ट लेवल है। WBS डिक्शनरी इन वर्क पैकेजेस की लिस्ट को कहते हैं जिसके साथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। टास्क एक्टिविटी को ही कहते हैं, एक ही बात है। कुछ मतलब इंग्लिश जो है वो लोग टास्क कहते हैं, ब्रिटिश जो है और जो अमेरिकन है वो उसको एक्टिविटी कहते हैं। कंट्रोल अकाउंट एक और टर्म है। वर्क पैकेज मजीद खोला जा सकता है एक्टिविटीज में। कंट्रोल अकाउंट है कि अकाउंटिंग वाले किस लेवल पे अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहते हैं, क्या वो एक्टिविटी लेवल पे करना चाहते हैं, क्या वो वर्क पैकेज लेवल पे करना चाहते हैं, या कहीं ऊपर करना चाहते हैं। देखा ये गया है कि दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन गोइंग इनटू सो माइक्रो, वो एक्टिविटी लेवल बल्कि वर्क पैकेज लेवल भी उनके लिए बहुत हाई हो जाता है। मतलब एक्टिविटी लेवल है ईंट लगाना, वर्क पैकेज लेवल है दीवार बनाना, ठीक है जी। वो कहते हैं यार दीवारें शिवारें बनाने का तुम ऐसा करो, जो बंदा इस कमरे की कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज कर रहा है वो इसके सारे वर्क पैकेजेस का हिसाब किताब ले ले और मैं उसे हिसाब कर लूंगा। तो यानी कि फिर अकाउंट वाले अपने वो उनका कंट्रोल अकाउंट उनका कैलकुलेशन कहती है, तो वो कहेंगे हाँ भाई तुम बताओ एग्जैक्टली।
वो उस बंदे को जिसको जिम्मेदारी देते हैं उसको कहते तू भाई हमारी तरफ से कंट्रोल अकाउंट मैनेजर है और ये कमरे का जितना भी बजट खर्चा मर्चा है इसका हिसाब तूने देना है, तो वो जनाब कंट्रोल अकाउंट बन जाते हैं। तो इसको कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। आगे जिक्र आएगा कॉस्ट में कंट्रोल अकाउंट का। WBS एलिमेंट, ये जो WBS के सारे ऊपर की हायरार्की बनी है, इसमें हर चीज जो एग्जिस्ट करती है किसी भी लेवल पे, प्रोजेक्ट लिखा हुआ है ये भी एक एलिमेंट है, उसके नीचे आपने एक दो तीन फेज वन टू थ्री बनाई है, ईच वन ऑफ दीज इज अ एलिमेंट, और हर चीज जो नीचे खुलती जाती है वो एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट कोई खास लेवल नहीं है, एनी एंटिटी एग्जिस्टिंग एनी वेयर इन अ WBS इज आर एलिमेंट, और वो उस अपने नंबर से रेफर किया जा सकता है। लाजमी बात है वो प्रोजेक्ट को रेफर करेंगे वन, ठीक है, फेज वन को करेंगे वन बाय वन, इस तरह से रेफर करेंगे। फिर ये एक छोटी सी चीज और आ जाती है एफर्ट के हवाले से, ऑल्दो इसका इतना काम तो उसको में नहीं बनता, लेकिन चले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये होता है जब एफर्ट एस्टिमेशन की जा रही होती है, कहते हैं एक तो होती है डिस्क्रीट एफर्ट। आपने कहा मैं दीवार बना रहा हूं, तो दीवार बनाने में, दीवार बनाने का अमल जो है वो एक्सप्लिसिट है, डिस्क्रीट है कि जनाब ये दीवार बनेगी, इसमें इतने मजदूर लगेंगे, इतनी ईंटें लगेंगी, इतनी देर लगेगी, एवरीथिंग कैन इज कैलकुलेटेबल एंड वर्क स्पीक्स ऑफ इटसेल्फ। कि भाई मैं इतना काम हूं तो इतना ही आप लगा लो साहब। जो काम, जो जो टास्क या एक्टिविटी डिस्क्रीट हो और अपने आप की वजह से ही उसकी एस्टिमेशन की जा सकती हो, वो डिस्क्रीट एफर्ट कहलाती है। फिर एक चीज होती है अपोर्शनड एफर्ट। अपोर्शनड एफर्ट का मतलब है कि एक काम ऐसा है जिसको बजाते खुद तो मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन वो किसी उसकी प्रोग्रेस किसी और काम की प्रोग्रेस पे मुनसिर है। वो ये नहीं कह सकता कि जनाब मैंने ज्यादा काम किया, भाई तुम तो मुनसिर हो, वो जितना उसने काम किया तुमने भी उतना ही किया बस। मिसाल के तौर पे एक आदमी दीवार बना रहा है और मेरा काम है सुपरवाइज करना, भाई मैं जितना ही अच्छा सुपरवाइजर क्यों ना हूं, मैं PhD हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, लेकिन जिस स्पीड से वो काम कर रहा है मेरी सुपरविजन की भी वही स्पीड है। वो ज्यादा टाइम लेगा तो मैं भी ज्यादा टाइम लूंगा, वो कम टाइम लेगा तो मैं भी कम टाइम लूंगा। तो माय वर्क इज डिपेंडेंट, मगर ये मेरी डिपेंडेंसी किसी एक एक्टिविटी के ऊपर होती है। एक और चीज है लेवल ऑफ एफर्ट। लेवल ऑफ एफर्ट इज के दिस इज नॉट, दिस एक्टिविटी या दिस टास्क is not dependent on any one activity but maybe on the whole project. مثال کے طور پہ آپ نے ناب بلوچستان میں آئل ایکسپلوریشن کرنی ہے, ایکسپلوریشن کی اپنی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں جو کچھ ہے سو کچھ ہے, لیکن آپ نے کہا کہ جی یہاں ہمیں سیکورٹی ریکوائرڈ ہے, آپ نے سیکورٹی فرم کو ہائر کی اور اسے کہا کہ جب تک ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں تم لوگوں کو بس ٹھیکہ ہے کہ تم لوگ یہ ہمیں سیکورٹی پرووائڈ کرو گے. Now the security of that is one activity, but that activity is spread over the whole project. This is a level of effort. The F resources में कोई linkage है? किसका? Effort and resources. बिल्कुल होगा, वो तो बाद में हम पढ़ेंगे. अभी मैंने कहा कि मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ efforts discrete होती हैं, उनका भले कितने भी resource लगने हों, वो हम कैलकुलेटेबल होती हैं, मतलब आप उसको सर्टन कर सकते हैं कि हाँ यार इस पे इतने बंदे, इतने पैसे, इतनी चीजें, ये कुछ लगेगा, भले वो बंदे जितने भी हों। जैसे आप कह रहे हैं रिसोर्स बिल्कुल असर्टेनेबल होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, डिस्क्रीट का मतलब ही ये है कि आप डिटरमिन कर सकते हैं, अब पोर्शन में आप डिटरमिन नहीं कर सकते। एफर्ट जो है वो बेसिकली मुझे ये लग रहा है कि एफर्ट जो है वो जो रिसोर्सेज हम बेसिकली यूज कर रहे हैं वही बेसिकली एफर्ट है, isn't it? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो रिसोर्सेज ही एफर्ट है ना, एफर्ट रिसोर्सेज है, टाइम भी रिसोर्स है, कॉस्ट भी रिसोर्स है, बंदा भी रिसोर्स है, मशीन भी रिसोर्स है, टूल भी रिसोर्स है, सब रिसोर्सेज है। ठीक है ठीक ठीक, खैर जी ये जनरली आपको इसका पता होना चाहिए डिस्क्रीट एफर्ट क्या होती है, पोर्शन एफर्ट क्या होती है और लेवल ऑफ एफर्ट क्या है। उसके बाद प्लान्ड वर्क है, इनपुट्स इसको स्किप करते हैं जी। ओके ये WBS वाला चार्ट सामने आया तो बताइए,
आ गया सर। अच्छा जी, ये ऐसा है, ये बड़ा अच्छा चार्ट है लेकिन बहुत बुरा चार्ट है। अच्छा इसलिए है कि इसने एक ही चार्ट में बहुत सारी बातें समझा दी हैं, और बुरा इसलिए है कि ऐसा होता नहीं है। इसमें उसने क्या किया हुआ है, उसने ये समझाने की कोशिश की है कि जैसे मर्जी ब्रेकडाउन करो, आखिरी लेवल तुम्हारा वर्क पैकेज ही होगा। और ऊपर उसने जो गड़सम्भा बनाया हुआ है वो ये दिखाया हुआ है कि भले फेजेस बना लो, भले डिलीवरेबल से तोड़ लो, भले सब प्रोजेक्ट वाइज तोड़ो, बीच में जो मर्जी गड़सम्भा मचाते रहो, लेकिन एक बात का याद रखना, आखिरी लेवल वर्क पैकेज ही होना चाहिए, काम होना चाहिए। भले आप कहें मेरा प्रोजेक्ट जो है वो उसमें वो मैं डिलीवरेबल वाइज करूंगा, जी मेरे मेन प्रोजेक्ट डिलीवरेबल है कार बनाना, और जहां उसका फेज वन में कार का इंजन बनेगा, फेज टू में बॉडी बनेगी, फिर इंजन के अंदर फलाना पार्ट बनेगा, फिर फलाना पार्ट बनेगा, पार्ट 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 डिलीवरेबल आ रहे हैं, लेकिन आखिरी जो काम है वो आखिरी लेवल है, दैट शुड बी वर्क, दैट शुड नॉट बी पार्ट। पता लगे गाड़ी तोड़ते तोड़े एक आप नट के ऊपर आगे रुक गए, और नट को क्या सर्वे मारूंगे, उस नट को आप लगाओ, इस नट को लगाओ, इसको घुमाओ, ये कुछ काम तो बताओ। तो उसको वर्क पैकेज तभी शक्ल अख्तियार करेगा जब उसको काम की शक्ल दी जाएगी। तो भले आप ऊपर से प्रोसेस वाइज तोड़ना शुरू कर दें, आप प्रोडक्ट वाइज तोड़ना शुरू कर दें, डिलीवरेबल के टोटे टोटे कर दें, या काम के टोटे टोटे कर दें, जो मर्जी करें, लेकिन आखिरी लेवल आपका वर्क पैकेज ही होगा। और जी किसी भी लेवल पर डिटर्मिन किया जा सकता है, वो नॉर्मली वर्क पैकेज से ऊपर का कोई भी लेवल हो सकता है। वर्क पैकेज आखिरी है ना, तो वर्क पैकेज से ऊपर का कोई भी लेवल, वो डिपेंड करता है कि आपके अकाउंटिंग वाले किस लेवल तक जाना चाहते हैं, उन पर डिपेंड है। हाँ, ये जनाब थोड़ी सी उसने दिया हुआ है कि WBS क्रिएशन के मेथड क्या है। कहता है एक तो तरीका है टॉप डाउन, ऊपर से नीचे सोचना शुरू करें, पहले कहें प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के नीचे क्या, उसके नीचे क्या, उसके नीचे क्या, तो तोड़ते 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 आप नीचे चले जाएं। बहुत अच्छा मेथड है, इसके अपने एडवांटेजेस हैं, इसके अपने चैलेंजेस हैं। कहता है जी ये इट स्ट्रक्चर्स प्रोजेक्ट कन्वीनियंटली फॉर स्टेटस रिपोर्टिंग, कन्वीनियंस है जी इसमें, इट हेल्प्स इंश्योर प्रोजेक्ट्स आर लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड, तुक बनती है, इज वैल्यूएबल व्हेन ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कवरिंग प्रोजेक्ट डिलीवरेबल। हम सोच विचार गपशप बहुत सारी डिस्कशन करते हैं, कैन अकोमोडेट एडिशनल डिलीवरेबल एज दे आर अनकवर्ड। हम इसमें कोई लेग मिसिंग हो गई है तो एक चीज ऐड भी कर सकते हैं, तो कुछ कर सकते हैं, मगर इसके अपना नुकसान है। पहली बात तो जी ये क्रिएटिविटी किलर है। जब हम टॉप डाउन जा रहे हैं तो यहां ग्रुप थिंक भी अप्लाई करता है, ग्रुप थिंक जो है वो क्रिएटिविटी का किलर है। अच्छा बॉटम अप में क्या होता है, हम ये नहीं कहते कि ऊपर से क्या नीचे क्या आना है, हम कहते हैं यार छोड़ दो बाकी ऊपर से नीचे क्या आता है, ये बताओ कि इस प्रोजेक्ट में काम कौन से करने हैं। हर बंदा बस काम सोचे और बाकी भूल जाओ, प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट का जेन में रखो नाम और सोचो इसमें काम, और सिर्फ आप वर्क पैकेज सोचो। तो वो क्या करते हैं, आप जो पोस्ट इट नोट्स ले लेते हैं और उसके एक कागज के टुकड़े पे एक वर्क पैकेज आप हर बंदा लिखता है, एक कागज पे एक, एक कागज पे एक, हर बंदे को जल्दी जल्दी जितने मर्जी लिखो, मुफ्त से टाइम दे दिया जाता है 5 मिनट 10 मिनट, कि जो जो जेन में आता है लिखते जाओ, और वो सारे जो पार्ट्स हैं, जो जितने भी स्टिकर हैं, आपने 20 लिखे, इन्होंने 30 लिखे, वो जितने भी लोगों ने सारों ने लिखे वो दीवार पे लगा दिए जाते हैं। उसके बाद उन्हें ये कहा जाता है कि जाएं सब लोग दीवार को देखें, और आपको जहां जहां डुप्लीकेशन नजर आती है कि आपने भी लिखा कंस्ट्रक्शन वाल, इन्होंने भी लिखा, किसी और ने भी लिखा, तो पहला काम तो ये करेंगे एक जैसे स्टिकर जो है ऊपर नीचे लगा दें, बल्कि यूं करेंगे वो एक ही रहने दें, बाकी फाड़ के फेंक दें, इफ इट इज सेम दैट विल रिड्यूस लॉट मेनी स्टिकर्स, अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विद यू नो स्मॉलर नंबर। उसमें से अगर आप समझते हैं कि कोई कुछ चीजें गैर जरूरी हैं तो उनको भी निकाल दें, वो एक्सक्लूजन में आ जाएंगे, डिलीजन आई, एक्सक्लूजन आई, जब आप सेटिस्फाइड हैं कि हाँ यार ये सारे काम जो है यहाँ लिखे हुए हैं अभी और इनको कुछ करना है, अगला स्टेप ये कीजिए कि अब आप दोबारा सारे लोग जाए और उनको ग्रुप करें। ऐसी एक्टिविटीज जो एक ग्रुप में बांटी जा सकती हैं, उनको उन स्टिकर शीट को तो उतार के करीब करीब लगा दें एक ग्रुप की,
एक ग्रुप इधर बन गया, इधर बन गया, इधर बन गया, इधर बन गया। आपने कतन ये नहीं सोचना कि इन एक्टिविटीज का सीक्वेंस क्या है, फॉरगेट अबाउट इट, ये आपका काम नहीं है, आपका काम है डब्ल्यूबीज बनाना। तो बुनियादी तौर पे आपने ग्रुप सोचे उनके, उनको 3-4-5 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, फिर हर ग्रुप का एक नाम रख दें और एक वो डिफरेंट कलर का स्टिकर शीट लेके उसके ऊपर नाम चिपका दें, ये 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 ये, और फिर अपना ये पेन उठाएं और उसको लाइन में लगा के उनको ऊपर से जोड़ दें, एक सीधा साधा सा बॉटम अप डब्ल्यूबीएस बनाए। लेकिन हम इसका हाइब्रिड अप्रोच भी इख्तियार करते हैं जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। हम ये करते हैं कि हमारी जो प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट मैनेजर और उसकी जो मैनेजमेंट टीम है जो उसके साथ काम करती है और जो स्ट्रेटजी समझती है, वो उनके साथ एक अलग कमरे में बैठ जाता है और वो टॉप डाउन सोचना शुरू करते हैं, बट दे डोंट गो डाउन टू द वर्क पैकेज लेवल। तो वो ऊपर के 1-2-3 टीयर्स बनाते हैं, सोच समझ के उसमें डिस्कशन करते हैं, और वो मुख्य कम लोग होते हैं, और जो बाकी आम आवाम है उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, उन्हें कहते तुम पकड़ के ये स्टिकर लिखो, तुम जो दिन में आती है ड्यूटी सोचो 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 बनाओ बनाओ और उनको बस लिखो यहाँ पे। इसके बाद ये लोग अपना चार्ट लाके दीवार पे लगा देते हैं, उन्हें कहते हैं हाँ भी तुमने जो एक्टिविटीज लिखी हैं वो देखो इसमें से कहाँ फिट आती है, वहां वहां लगाते जाओ, वो उसके नीचे लगाते जाते हैं। और अगर कोई एक्टिविटीज बच जाती हैं, किसी में फिट नहीं आ रही, तो उनको उस बात का एहसास हो जाता है कि हमने कोई चीज मिस की है, फिर वो एक उसकी नई ब्रांच लगा के कहते हैं हाँ ये चीजें इधर डाल दो। हाइब्रिड इज द वे। तो ये टॉप डाउन बॉटम अप है, फिर डब्ल्यूबीएस के स्टैंडर्ड्स हैं, फॉर्मेट्स पहले प्री डिफाइंड हैं, उनको भी उठा सकते हैं, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। डब्ल्यूबीएस की टेम्पलेट्स हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर है, एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है जो मैं बहुत पसंद करता हूँ, मगर अब वो नहीं है मेरे पास, डब्ल्यूबीएस प्रो। डब्ल्यूबीएस प्रो इज अ गुड सॉफ्टवेयर, बट वो कम वक्त पैसे बहुत मांगता है, तो वो डाउनलोडेबल है लेकिन वो कुछ पैसे ज्यादा मांगता है। एक दफा पे मुझे उसका अनलॉक शॉनलॉक हो गया था, तो मैं काफी अर्सा इस्तेमाल करता रहा, फिर वो कंप्यूटर चेंज होते रहते हैं। हाँ वो डाउनलोड है, और लेकिन वो मजा तभी है ना कि लेटेस्ट वर्जन का उतारा जाए। उसके हैं 2-3 प्रोडक्ट हैं, डब्ल्यू प्रो है, पर्ट प्रो है, अच्छा है, मतलब मजेदार है, जबरदस्त चीज बनाई। और वो प्लग वो भी उसी तरह जैसे मैंने माइंड मैपिंग का बताया ना आपको, ये भी प्लग इन है। अब डब्ल्यूबीएस इधर बनाए, एमएस प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करा लें, वो खुद ब खुद उसके अंदर आके फिट हो जाता है। और बिल्कुल जैसे हम पोस्टेड नोट्स को इधर से उधर हिला रख रहे होते हैं ना, इस तरह आप पकड़ के कर्सर से इधर से जो इधर लिखा नहीं नहीं इधर नहीं है, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, वो इलाज उला के जो कार्रवाइयां करनी है आप कर लें, बाद में जाके वो सेट हो जाता है तो आपके आप ठीक। क्योंकि हम जब एमएस प्रोजेक्ट में डायरेक्टली एक्टिविटीज डालने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे हमें वो विजुअली डिस्प्ले नजर नहीं आ रहा होता, उसमें हम ऐसी थुक दिगड़ी कर रहे होते हैं, कोई चीज कहीं लग गई है, अब कहते हैं ठीक ही लगी होगी, चलो पर वी डोंट, हम उसको ज्यादा टाइम ही नहीं देते और ही नहीं करते उसके ऊपर ज्यादा। डीकम्पोजिशन का है जी स्केल, इसमें डब्ल्यूएस का फॉर्म है, डब्ल्यूएस स्ट्रक्चर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर ऑफ फॉर्म्स यूजिंग फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एज अ सेकंड लेवल ऑफ डीकम्पोजिशन यूजिंग मेजर डिलीवरेबल इनकॉर्पोरेटिंग सब कंपोनेंट, कोई भी तरीका इस्तेमाल करें। मैंने कहा आपकी मर्जी है, जैसे भी आप तोड़ना पसंद करें, लेकिन फेज वाइज तोड़ना अच्छा है, सब प्रोजेक्ट वाइज तोड़ना अच्छा है, डिलीवरेबल वाइज तोड़ना, प्रोसेस वाइज तोड़ना, जैसे आप बेहतर समझें, लेकिन आखिरी लेवल आपका वर्क पैकेज ही होना चाहिए। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है इसकी, एक एयरक्राफ्ट सिस्टम बनाने की, उसमें उसने ब्रांचेस दी हुई है, उसने कहा जी पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के काम, इंजीनियरिंग सिस्टम इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और सपोर्टिंग पीएम एक्टिविटीज, फिर ट्रेनिंग के अंदर इक्विपमेंट ट्रेनिंग, फैसिलिटेटिंग ट्रेनिंग, ग्रुप बनाए हुए ना, ग्रुपों के अंदर चीजें उसकी आई हुई है। असल जो कंस्ट्रक्शन है वो एयर व्हीकल, उसके अंदर एयर फ्रेम है, इंजन है, फलाना है फलाना है फलाना है। तो ये एक आपको सैंपल के तौर पर उसने ब्रेक डाउन दिखा दिया। यू कैन क्रिएट योर ओन ब्रेक डाउन इन लाइट ऑफ दिस। ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का है, एक उसका ब्रेक डाउन है, तकरीबन मेथोडोलॉजी या तरीकाकार जो बैक ऑफ द माइंड है वो वही है। इसमें भी एक ब्रांच उसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की दी हुई है, और इस तरह प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर डिटेल डिजाइन है, फिर कंस्ट्रक्ट है, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग है, वगैरह वगैरह। ये जनाब एक और है सैंपल डब्ल्यूबीएस डीकम्पोज डाउन थ्रू वर्क पैकेजेस। ये ना वैल्यू मैनेजमेंट का सिस्टम प्रोजेक्ट है, और उसके जनाब टुकड़े टूटे दिखाए हैं, मगर यहां उसने दिखाने की जो कोशिश की है वो ये दिखाई है कि वो कोड ऑफ अकाउंट नंबर लगा हुआ है इसके अंदर।
देख रहे हैं ना, इसी तरह ये अगली एग्जांपल में भी कोड ऑफ अकाउंट की एग्जांपल है, ये भी नंबरिंग लगी हुई। अगले आई, ये भी वही नंबरिंग नंबरिंग वाला चक्कर दिखाया हुआ है, इससे हम उसे रेफर कर सकते हैं। फिर जनाब डीकम्पोजिशन में नेचुरली आप उसे तोड़ तोड़ के नीचे लेवल तक जाते हैं। अब एक बात रियलाइज करें कि WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है और दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। व्हाट इज शोन एट द बॉटम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर? बंदा। और व्हाट इज शोन एट द बॉटम ऑफ द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर? काम, वर्क पैकेज। वर्क पैकेज किसने करना है? बंदे ने। इसका मतलब है देयर इज अ रिलेशन बिटवीन WBS एंड OBS। सो ये जो डायग्राम है ये शो करता है कि कौन सा काम कौन कौन से बंदे करेंगे। दिस इज सिंपली रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स कि भाई फलाना फलाना और फलाना आप इस काम के जिम्मेदार हैं। तो वो उस काम के नीचे अगर आप देखें, पहले वाले काम को देखें, उसके नीचे पांच लोगों के नाम के आगे टिक हुआ हुआ है और वो कहां कहां से आ रहे हैं, जिस जिस डिपार्टमेंट से आ रहे हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा किधर से आ रहा है। ये कहलाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स। इसकी जो डायनेमिक्स तो ये है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसको हमेशा इस तरह से शो किया जाए, इसको टेबुलर फॉर्म में भी शो किया जा सकता है। आप ऊपर लिख दीजिए काम और इधर लिख दीजिए नाम, और जिस जिसके जो जो इस काम के ऊपर हैं उनके नामों के आगे टिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली पता चलेगा इस काम को ये तीन बंदे हैं, इस काम के ये दो बंदे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स बन गया आपका। बट चूंकि ये ह्यूमन रिसोर्स का टॉपिक है तो ह्यूमन रिसोर्स में ये डिस्कस हो जाएगा, लेकिन ये मस्त नहीं है। नहीं, ये बड़ा जरूरी है, ये मतलब ये आपको बड़ा कमाल करता है आपके साथ। अभी आपको मैं दिखाता हूँ ना, ये देखें एक और कमाल इसी का। कंट्रोल अकाउंट मैट्रिक्स बनाया आप, जैसे WBS वर्क पैकेज के लेवल से बनाया था, आप कंट्रोल अकाउंट के लेवल के ऊपर बंदे असाइन कर दें। ये कंट्रोल अकाउंट मैनेजर आपने असाइन कर दिए, किसी भी लेवल पे आप असाइनमेंट कर सकते हैं। ये तो बड़ा जबरदस्त टूल है। लोगों की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन हो रही है यहाँ पर मुख्तलिफ कामों के लिए, मुख्तलिफ उसके लेवल्स के लिए। ये आपके WBS का जो सेकेंड एडिशन स्टैंडर्ड था उसमें से मैंने एक एग्जांपल निकाली है, और उसमें ये है कि उसने ये बताने की कोशिश की है कि जरूरी नहीं है कि आपकी तमाम ब्रांचेस एक ही जितना डीप खुलें। कोई चीज मजीद खुल सकती है, कोई नहीं खुल सकती, कोई बात नहीं है, लेकिन जो जो चीज जहां जहां तक खुली हुई है तो उसकी लोएस्ट आइटम जो है वो वर्क पैकेज हो। मिसाल के तौर पर अगर ये सारी सिचुएशन है तो ये 1.11 1.1.1 से लेके 1.1.4 तक ये वर्क पैकेज है। 1.2 आगे नहीं खुल रहा, ये भी वर्क पैकेज हुआ। 1.3 के आगे दो पार्ट्स हैं, ये वर्क पैकेजेस हैं। 4 और 5 बताते खुद वर्क पैकेज है। 6 में 1.6 में 1.2 और 3 वर्क पैकेज हैं, और 4 के अंदर जो तीन आइटम है वो भी वर्क पैकेज है, और ये 1.7 भी वर्क पैकेज है। तो ये अगर आपने WBS डिक्शनरी बनानी है तो इनके नाम लिखें और इनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिख दें तो आपका वर्क पैकेज बन गया। ये तरीका तो नॉर्मल है शो करने का, ऐसे भी शो किया जा सकता है, और ये वो तरीका जो MS प्रोजेक्ट वगैरह के अंदर वो जो इंडेंटेशन के साथ और वो ड्रामा बना के जो वो है सॉफ्टवेयर वो इंडेंटेशन बना बनू के लाइन से लगा के बनाया था, बट दैट इज नॉट रियली अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट। स्टेप्स बनती जाती हैं, वो ये स्टेप बने हैं। तो ये भी ट्री ऐसे भी बनाया जा सकता है, कोई इतराज नहीं है। फिर टूल में आपका एक्सपर्ट जजमेंट और वो आ जाता है। फिर बेसलाइन और स्कोप बेसलाइन बन जाती है। स्कोप बेसलाइन है कि जो आपका स्कोप कोई बताया ना आपको, स्कोप स्टेटमेंट WBS और WBS डिक्शनरी। WBS डिक्शनरी के अंदर वो कहता है क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। कहते हैं आप कोड ऑफ अकाउंट आइडेंटिफायर, उसका सीरियल नंबर 1.1.1, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, वर्क पैकेज जो है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी कोई अजम्पशन या कंस्ट्रेंट तो नहीं है, उसका कॉलम बनाएं। रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन कौन है, स्केड्यूल माइलस्टोन कोई है कि नहीं है। यू कैन प्रोवाइड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ईच वर्क पैकेज। सो दिस इज ऑल द वर्क WBS डिक्शनरी। ये उसने एक WBS डिक्शनरी पॉपुलेट करके दिखाई हुई है।
कि जी ये लेवल है, डब्ल्यू बी एस का कोड नंबर ये है. लेवल का मतलब है कि वो ऊपर लेवल वन है, फिर लेवल टू है, फिर लेवल थ्री है, किस लेवल पे एग्जिस्ट करता है, इसका नंबर क्या है, इसका नाम क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका कॉस्ट कंट्रोल नंबर क्या है, रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है. वो जितने ये पिछले में दिए हुए थे, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आपने दिखाने हैं, जो आपको एप्लीकेबल लगते हैं वो चीजें आप उसमें दिखा दें. फिर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो जाते हैं इसकी रोशनी में. फिर आ जाता है जी वैलिडेट स्कोप और फिर कंट्रोल स्कोप. वैलिडेट स्कोप आपको पता है कि वो जो डिलीवरेबल आपका प्रोडक्ट एग्जीक्यूशन से निकला था, प्रोडक्ट जो निकला था वो आएगा क्वालिटी कंट्रोल के लिए, जो वहां से वेरीफाई होगा, वेरी होगा इसके बाद आएगा, ये उसको फाइनली एक्सेप्टेड करेगा. तो ये क्या करता है जी, फॉर्मलाइज करता है एक्सेप्टेंस को प्रोजेक्ट डिलीवरेबल की. और उसका की बेनिफिट ये है कि दिस ब्रिंग्स ऑब्जेक्टिविटी टू द एक्सेप्टेंस प्रोसेस. ठीक है, उसका तरीका कार डिफाइन होता है. ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मलाइजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द कंप्लीटेड प्रोजेक्ट डिलीवरेबल. रिव्यू करता है डिलीवरेबल्स को विद द कस्टमर और स्पॉन्सर टू इंश्योर दैट दे आर कंप्लीटली सैटिस्फैक्टरीली. ऑब्टेनिंग फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरेबल बाय कस्टमर और स्पॉन्सर प्राइमरीली कंसर्न्ड विद एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरेबल नॉट करेक्टनेस आर मीटिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स. वो कह के आइटम पूरे हैं, वो क्वालिटी के हैं नहीं है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तो क्वालिटी पहले चेक करके भेजो मुझे, मैं सिर्फ गिनतियां करूंगा और अगर चेक शीट पूरी हुई तो हवाले कर दूंगा, लेकिन जिंदी जिंदी सॉरी जो क्वालिटी क्वालिटी के मसाइल है पहले मुझे हल करके भेजो. इसलिए क्वालिटी कंट्रोल पहले होता है, जनरली परफॉर्म आफ्टर क्वालिटी कंट्रोल, मगर इन सम केसेस इट कैन बी परफॉर्म इन पैरेलल. कभी कभी असल में गड़जमा बनाया होता है क्वालिटी वाले, अक्सर क्वालिटी कंट्रोल और यूजर एक्सेप्टेंस इकट्ठी मिला के कर रहे होते हैं. तो कहता है ठीक है कर लें आप, लेकिन जरा जानबूझ के करें. यूजर तो इधर आके कर सकता है ना, ठीक है मुझे कोई इतराज नहीं है. आपने जी इधर से क्वालिटी निकल के ये साथ ही बंदा बैठा हुआ है, उसके साथ ही कुछ मिला जुला के एक ही प्रोसेस बना के सारा काम कर रहे हैं आप, तो करते रहे, हमें कोई इतराज नहीं है. एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की डेफिनेशन ये एक सेट ऑफ कंडीशंस है दैट इज रिक्वायर्ड टू बी मेट बिफोर डिलीवरेबल्स आर एक्सेप्टेड. These conditions state how the project team is going to demonstrate to the customer that they have in fact met the requirements. If you can't say how you are going to provide this demonstration, then you probably don't sufficiently understand the requirement. वो आप क्या कहते हैं test cases बनाते हैं. अगर आप test cases deliver नहीं कर सकते फिर समझ ही नहीं आती आपको कैसे बनाने हैं, तो फिर तुम requirement नहीं समझो. Acceptance criteria should be defined in conjunction with the requirements and should be the basis of testing strategy and test plan. टेस्ट का प्रोसीजर भी आप बताते हैं कि ये मैंने चीज बनाई मुझे इस तरह टेस्ट कर लो, वो आप बताते हैं. ये वही बात है जी, वेरीफाइड डिलीवरेबल क्वालिटी से निकलता है, क्वालिटी कंट्रोल से. और ये असल में क्योंकि चेंज हुआ था ना फिफ्थ एडिशन में, फोर्थ से फिफ्थ में इसका नाम शाम चेंज हुआ था और फंक्शन चेंज हुआ था, इसलिए इसको जरा ज्यादा डिफाइन किया हुआ है. लेकिन अब आपको समझ आ गई कि क्वालिटी कंट्रोल से वेरीफाई होता है और आगे से वैलिडेशन होती है. इसके अंदर आपको याद होगा कि प्रोजेक्ट प्लान तो होगा ही होगा, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी चाहिए और ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक भी चाहिए. और वेरीफाइड डिलीवरेबल कहां से आया, क्वालिटी कंट्रोल से जो पास हो गया है. और वर्क परफॉर्मेंस डाटा एग्जीक्यूशन से जो आ रहा है. यहां पे हमने क्या क्या करना है, हमने एक तो इंस्पेक्शन करनी है, डिलीवरेबल की तो होती इंस्पेक्शन है, और ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक करनी है जिसके थ्रू हम फैसला करेंगे कि ये पास है या फेल है. और हम वर्क परफॉर्मेंस डाटा हाँ वो हर मैंने कहा था हर कंट्रोल को जा रहा है. अच्छा, और ये देखें ना वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन निकालें, अपना एनालिसिस तो करेगा ना ये प्रोडक्ट के हिसाब से. तो जो जो डिलीवरेबल था उसको एक्सेप्ट कर दिया, अगर नहीं है तो चेंज रिक्वेस्ट कर दी, डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया, डॉक्यूमेंट को अपडेट कर दिया. यहाँ तक कर लिया, बिल्कुल पास हो जाए यहाँ से. कॉस्ट वाले अपना देख लें, हाँ भाई ये इधर तक बिल्कुल. अच्छा जी, फिर आखिरी आपका प्रोसेस आ जाता है कंट्रोल का. कंट्रोल स्कोप में कहता है जी प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट एंड मैनेजिंग चेंजेस टू द स्कोप बेसलाइन. एक्चुअली एंश्योरिंग ऑल रिक्वेस्टेड चेंजेस एंड रिकमेंडेड करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस आर प्रोसेस्ड थ्रू द परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल. ये तो बात हमें पता है ना कि हर कोई चेंज रिक्वेस्ट जाती है इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल के पास है, तो ठीक है वो मतलब इतनी बहस डालने की जरूरत ही नहीं है. मैनेज द एक्चुअल चेंजेस व्हेन दे अकर एंड इज इंटीग्रेटेड विद द अदर कंट्रोल प्रोसेस. अगर आप स्कोप की कोई चेंज लाते हैं उसका असर जिस जिस चीज पे पड़ता है उस उसको भी चेंज करना पड़ेगा.
अब पीएमबीओ के कहती है अनकंट्रोलेबल चेंजेस आर ऑफन कॉल्ड स्कोप क्रीप. एक फिक्रा लिखा हुआ स्कोप क्रीप पे और कोई बात नहीं पूरी किताब में लिखी हुई और लोग इसके ऊपर ही पागल हुए. अनकंट्रोलेबल चेंजेस क्या मतलब है मैं बताता हूं आपको. ऐसी तब्दीलियां जो ना दानिशगी में हो गई हों या गैर महसूस तरीके से हो गई हों, जिनका कोई रिकॉर्ड ना हो, जिनकी कोई चेंज रिक्वेस्ट ना बनी हो, और मगर वो बस बातों बातों में आपने कह दिया हाँ कर लो यार कोई गल नहीं ठीक है, ना रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्डेड नहीं है, प्रॉपर चेंज रिक्वेस्ट नहीं बना था. ये जो स्कोप क्रीप है ये स्कोप क्रीप कहलाता है. मतलब ये कि आपने कुछ ज्यादा या कम बना दिया. भाई क्यों, कैसे बना दिया, क्यों बना दिया? दिस इज नॉट अलाउड. स्कोप क्रीप इज नॉट अलाउड. एज सून एज इट इज कॉट इट मस्ट बी फिक्स्ड थ्रू अ प्रॉपर चेंज रिक्वेस्ट. ठीक है. और जो पकड़ा कहां जाता है, ये पकड़ा जाता है वैलिडेट स्कोप. जब वैलिडेट स्कोप चेक शीट कर रहा हूं ये हैंडल किसने कहा था लगाने को, भाई हैंडल उतारो. मॉनिटरिंग कंट्रोल तो हैंडल क्यों लगा था, वो कहेगा जी ये मतलब डिजाइन में तो कहीं नहीं है, हैंडल पता नहीं कितने लगाता. उन्होंने कहा सब लगा आ रहा है, एक ही चक्कर है. उसने कहा या तो इसको उतारो तो या मुझे इसकी वजह बताओ और इसकी प्रॉपर चेंज रिक्वेस्ट बनाओ. वो बना के प्रॉपर बीच में ऐड करके तो फिर ये वैलिड हो जाएगा, जायज क्राफ्ट आ जाएगा. चेंज इज इनएविटेबल, देयरफॉर मैंडेटिंग सम टाइप ऑफ चेंज कंट्रोल प्रोसेस इज नेसेसरी. कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट स्कोप इंश्योर्स ऑल रिक्वेस्टेड चेंजेस एंड रिकमेंडेड कोरेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन आर प्रोसेस थ्रू इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल. मतलब चेंज रिक्वेस्ट जब आप भेजते हैं तो उसके तीन एक्शन बनते हैं, या तो डिफेक्ट रिपेयर होना है, या corrective action है, या preventive action है. तो change request के अंदर ही ये तीनों action है और ये करता कौन है, इसका फैसला वो करता है integrated change. वो बताएगा कि कोई corrective है, preventive, क्या action क्या करना है उसका, वो बताएगा. प्रोसेस में देखिए तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, वही चीजें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, रिक्वायरमेंट एजिबिलिटी मैट्रिक्स है, यहां पर भी वर्क परफॉर्मेंस डाटा है और यहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस ला जाते हैं. यहां इसने सिर्फ वेरिएंस देखनी है, फर्क देखना है कि प्लान में क्या था और हुआ क्या है स्कोप के हवाले से, और उस वर्क परफॉर्मेंस डाटे को इस एनालिसिस की रोशनी में वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन बना देना है. अगर कोई चेंज रिक्वेस्ट बनती है काम के हिसाब से, वो जो वैलिडेट स्कोप ने की थी वो वर्क वो चेंज रिक्वेस्ट किस हिसाब से थी, डिलीवरेबल के हिसाब से, तो वो होगा डिफेक्ट रिपेयर करो, ये करो, वो करो. यहां पे होगा प्रिवेंटिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन. और इसके अलावा अगर प्रोजेक्ट में प्लान में, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में कोई अपडेट है तो वो अपडेट आप कर दें. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में हमें पता है कि स्कोप बेस्ड लाइन भी मौजूद है, स्कोप मैनेजमेंट प्लान भी है, चेंज मैनेजमेंट प्लान भी है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान भी है, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान भी है. ये सब हमारे मतलब की चीजें हैं जो हमें यहां से रीड करनी है. इनपुट में जो प्रोजेक्ट प्लान आ रहा है उसमें ये सब चीजें हमें मिल रही हैं और ये हमारे तमाम मतलब की चीजें हैं. रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वर्क परफॉर्मेंस डाटा, इन सब चीजों से हम वाकिफ हैं. बस ये स्कोप तो गया मुख. क्या कहते हैं आगे चलें या इसको यहीं एक हसीन मोड़ देके छोड़ दें? जी जनाब, एनी आपकी लोगों की क्या राय है सर? तो, इसको बस यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे रोकते हैं. आज की डोज काफी है सर. मतलब वही बात की ना आपने कि कोई हसीन मोड़ देके इसको यहीं छोड़ दें, ताल्लुक तोड़ लिया जाए यहाँ पर. हाँ जी, और बाकी क्या ख्याल है आप लोगों का? बस बाकी कौन है, हमाद है, हमाद जो अब सर, जी जी. मैंने तो आपको बताया सर कि इसको इसी हसीन मोड़ पे रोकते हैं. अच्छा अच्छा, तारिक मैंने कह रहा सर कि आज की डोज काफी है. ओके चलें जी, अनीबा फिर बस करें. अच्छा ओके चलें जी, ऐसा करते हैं कि अब अगला जो हमारी मुलाकात होगी फ्राइडे को होगी, और आप लोग सब आ रहे हैं ना फ्राइडे को? जी इंशाल्लाह फ्राइडे को इंशाल्लाह हम टाइम से शुरू करेंगे, और लंबे चैप्टर हैं टाइम और कॉस्ट, और ये मैं इंशाल्लाह दोनों मुका दूंगा उस दिन, और बाकी फिर सब कुछ दो दिन में
निकल जाएगा। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह फिर फ्राइडे को मुलाकात होती है। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।